हरे कृष्णा, प्रणाम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक मुलाकात कृष्ण भक्त के साथ में। दोस्तों, जहाँ हम में से कई लोग अपना पूरा जीवन निकाल देते हैं भक्ति में प्रवेश करने के लिए, वहीं कुछ ऐसे उदाहरण भी होते हैं जिन्हें भक्ति अपने बीजारोपण से अर्थात अपने माता पिता की गोद से मिलती है। आज ऐसी ही एक नन्ही सी मेहमान हमारे साथ है। इस नन्ही सी मेहमान के हृदय में क्या है, क्या कैसा इसका जीवन है और ये आप सबसे क्या कहना चाहती है? आइए आज स्वयं मिलते हैं 9 साल की हृदया से और जानते हैं ये सारी बातें। तो देवी और सजनों, मेरे साथ जोरदार तालियों से और बहुत सारे प्यार और आशीर्वाद के साथ स्वागत कीजिए हमारी नन्ही मेहमान हृदया का। हृदया, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। और बेटा, आपने बहुत अच्छे प्यारे प्यारी पिंक कलर की ड्रेस पहनी है। क्या पिंक आपका फेवरेट कलर है? थैंक यू। वैसे तो पिंक और पर्पल है, पर पिंक सबसे पहले है। हाँ दैट्स नाइस, दैट्स नाइस। तो हम लोगों को बहुत सारी बातें करनी है आज आपके साथ। आप रेडी हो? ओके। हाँ बिल्कुल। आज आपका पहला लाइव इंटरव्यू हो रहा है, मतलब बहुत सारे लोग आपको आज ऑनलाइन देख रहे होंगे, तो आपको कुछ नर्वसनेस तो नहीं हो रही है? पेट में ऐसे बटरफ्लाईज बटरफ्लाईज, कुछ नर्वसनेस ऐसा कुछ हो रहा नहीं, बट है? एक्साइटेड बहुत हूं मैं। वाह, दैट्स वंडरफुल। आपको देख के मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ और हमारे सारे जो व्यूअर्स हैं ना, वो भी बहुत बहुत एक्साइटेड हैं आपसे बातें करने के लिए। तो चलिए फिर यस शुरू करते हैं। ओके ओके यस माता जी। तो आज हम आपसे बातें करेंगे और खूब सारी मस्ती भी करेंगे, और आपको जरा भी कुछ टेंशन हो ना तो आप बोल देना, हम कुछ खेलना कूदना शुरू कर देंगे फिर, ठीक है? हाँ जी। ओके। तो सबसे पहले हमें आप अपने बारे में कुछ बताइए। हृदया कौन है, कहाँ रहती है, क्या करती है? मैं नासिक से हूँ और मैं होम स्कूल हूँ। मेरी माँ मुझे घर पे ही पढ़ाती है और अच्छा। मैं 9 ईयर्स की हूँ और मेरा हाँ नाम हृदया चित्रेश्वसपते है और मैं लॉर्ड श्री कृष्ण की डिवोटी हूँ। वाह वाह, तो इतना सुंदर आपने बताया। आप नासिक में रहते हो और आप होम स्कूलिंग करते हो, तो इन सब पे भी आपको कुछ कुछ पूछेंगे। पहले ये बताओ, आज जो कि आप हमारे साथ मिलने आए हो, तो आप इतने सारे लोग जो अभी आपको देख रहे हैं, उनसे आप क्या बातें करना चाहते हो? मैं सबसे पहले तो ये बात करना चाहती हूँ कि कृष्णा हमसे बहुत प्यारे हैं और कृष्णा हमें कभी ना कोई भी चीज़ से ना नहीं कहेंगे। अगर हम हमारा पूरा फेथ पूरी श्रद्धा से अगर उनके शरण में गए तो वो जी हमें जो चाहे वो सब देंगे और वो अच्छा। हमारे दोस्त, हमारे भाई, हमारे पिता, हमारे माँ, हम सब सब समित सबके जैसे वो हम हमसे बिहेव करेंगे। बहुत प्यार से हम वो हमसे बिहेव करेंगे। तो कृष्णा का फेथ, कृष्णा से फेथ कभी मत लिए, कभी मत लीजिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये किसने सिखाया आपको? मम्मा ने? नहीं, मैं खुद ही मतलब मेरा थॉट आपको बता रही हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा, तो ये बताओ, आपने कहा कि आप होम स्कूलिंग करते हो, तो होम स्कूलिंग क्या होता है? आप घर पे पढ़ते हो मम्मा के साथ? होम स्कूलिंग मतलब जैसे कि बाहर बाहर के स्कूल्स में टीचर्स होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो जी वैसा ही हमारे, बट मैं एक स्टूडेंट हूँ और मेरी एक मम्मा है, तो हम हमारी इतनी अच्छी बॉन्डिंग है और हम सारे वैदिक लिटरेचर्स भी स्टडी करते हैं, तो अच्छा। बहुत मजा आता है होम स्कूलिंग में। और हम घर से पढ़ते हैं तो बहुत अलग अलग चीजें भी कर सकते हैं, जैसे कि सपोज स्पेलिंग्स लर्न करने हो तो जंप करते करते स्पेलिंग्स लर्न अच्छा, करते हैं, तो वाह, ऐसे बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटीज मम्मा डिजाइन करती है और उसमें हमारा स्टडी भी हो जाता है और एक्टिविटीज और बहुत मजा भी आता है। अच्छा। तो आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है मराठी। अच्छा, वाओ, नाइस। और आपने कहा कि आप सारे वैदिक लिटरेचर्स भी सीखते हो होम स्कूलिंग में, तो आप कौन सी किताबें पढ़ते हो, उसके बारे में कुछ बताइए हमें।
मैंने एक ऑन द वे टू कृष्णा का कोर्स भी किया है, अच्छा और भगवत गीता का 15 चैप्टर का भी कोर्स किया है मैंने। और उसके बाद मेरे पास ऑलमोस्ट सारी स्टोरीज हैं चिल्ड्रंस बुक की, वो सारी स्टोरीज मैं बहुत बार रीड कर चुकी हूँ और मुझे बहुत मजा आता है रीडिंग करने में। वाह, दैट्स वंडरफुल, सो सो स्वीट। तो आपकी सबसे फेवरेट स्टोरी कौन सी है कृष्णा की? मेरी सबसे फेवरेट स्टोरी है साक्षी अच्छा, गोपाल। तो क्या आप हमारे यस व्यूअर्स को, हमारे इतने सारे फ्रेंड्स जो अभी हमको सुन रहे हैं, आप उनको शॉर्ट में ये स्टोरी बता सकते हो साक्षी गोपाल की? याद है आपको? अरे हाँ, पूरी याद है। ओके, सुपर, बताओ तो बताओ। दो ब्राह्मण होते हैं, उसमें से अच्छा एक जो होता है वो बहुत यंग होता है और पुअर भी होता है, और जो दूसरा होता है वो बहुत ओल्ड होता है और बहुत है श्रीमंत होता है, रिच होता है। जी तो वो दोनों पिलिग्रिमेज पे जाते हैं, मतलब यात्रा पे जाते हैं। अच्छा तो तब जो यंग वाला ब्राह्मण था, उसने जो ओल्ड ब्राह्मण थे उनकी बहुत अच्छी तरीके से उनका ख्याल रखा। तो उस पर जो बूढ़े ब्राह्मण थे उन्होंने कहा कि आपने मेरा बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखा है, तो उसके बदले में मैं आपको मेरी बेटी दूंगा शादी में। तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं तो बहुत ही यंग हूँ और मैं बहुत ही पुअर हूँ, गरीब हूँ, तो मैं आपको आपके बेटी के लायक नहीं हूँ, और आपको आपकी फैमिली का भी होकर चाहिए, मतलब आपकी फैमिली भी हाँ कहनी चाहिए। तो फिर वो बोलते हैं नहीं, कुछ भी हो जाए पर मैं मेरा दिमाग नहीं बदलूंगा, मैं आपको प्रॉमिस देता हूँ। तो वो कहते हैं कि अगर आप सच में आपकी बेटी देने वाले हैं, तो फिर वो कृष्ण गोपाल जी के मंदिर को पॉइंट करते हैं और बोलते हैं कि ये जो गोपाल जी का मंदिर है, हम तो फिर गोपाल जी के सामने आप ये प्रॉमिस लो। तो फिर वो बोलते हैं ठीक है। फिर दोनों जाते हैं मंदिर में, और जो बड़े ब्राह्मण होते हैं वो प्रॉमिस लेते हैं कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इस यंग ब्राह्मण को मेरी बेटी दूंगा। उसके बाद दोनों अपने घर जाते हैं, और थोड़ी देर बाद जो बड़े ब्राह्मण होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि अभी मैंने मेरा डिसीजन है जो है वो सबको बताना चाहिए। तो फिर वो बोलते हैं कि मैंने ऐसा ऐसा डिसीजन लिया है। तो फिर वो बोलते हैं कि अरे तुम ऐसा कैसा कर सकते हो, वो तो बहुत ही गरीब है और हमारी बेटी कितनी बड़ी है, तो तुम ऐसा मत करो, उसकी प्रॉमिस फुलफिल मत करो। तो फिर वो उनको मालूम था कि भगवान श्री कृष्ण ऐसा नहीं होने देंगे, भगवान श्री कृष्ण का हाथ है उन पर। तो वो भगवान श्री कृष्ण को प्रे करते रहते। फिर कुछ दिनों बाद जो यंग ब्राह्मण होता है वो बड़े ब्राह्मण के घर पे जाता है और कहता है कि आपकी प्रॉमिस का क्या हुआ। तो जो बड़े ब्राह्मण का छोटा बेटा होता है वो भाग के आता है कि ए तू मेरी बेटी मेरी बहन को कैसे ले सकता है ऐसा वैसा। तो फिर वो जो ब्राह्मण थे वो बहुत दुखी होके गए, और ये जो भाई बड़ा भाई था वो कहने लगा कि नहीं पिताजी, आप प्रॉमिस मत फुलफिल करो, मैं बाकी का देख लूंगा, आप बस यही बोलो कि मुझे कुछ याद नहीं है। तो बोलते हैं अभी ठीक है, पर उनका फेथ नहीं जाता है गोपाल जी से। तो जब यंग ब्राह्मण सबको बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, सबको गोला कर जमा करते हैं और बोलते हैं कि इन्होंने तो ऐसा बोला था कि वो उनकी बेटी मुझे देंगे, पर अभी वो नहीं दे रहे हैं, अभी वो ना दे रहे हैं, उनका बेटा भाग के आया। तो वो कह रहा था तो फिर और उन्होंने कहा कि जाके पूछिए क्या प्रॉब्लम हुआ, क्या समस्या आई। तो वो सब उनके उनके घर पे जाते हैं, बड़े ब्राह्मण के घर पे जाते हैं और कहते हैं कि आपने तो प्रॉमिस दी थी, अब क्या हुआ। तो वो कहने लगे कि मुझे कुछ याद नहीं है। अभी जो विलेजर्स थे, गांव वाले थे, उनको डाउट पड़ गया कि हम भरोसा किस पे करें। तो वो जो यंग ब्राह्मण होते हैं वो बताते हैं कि गोपाल जी हमारे विटनेस है, इन्होंने उनके सामने प्रॉमिस लिए है ऐसा वैसा। तो जो यंग ब्राह्मण बड़े ब्राह्मण होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, ये जो कह रहा है वो सब सच है, अगर तुम गोपाल जी को यहाँ लाओगे तो मैं मेरी बेटी तुम्हें दूंगा,
और जो बड़ा बेटा होता है उनका, वो कहता है हाँ ठीक है जा जा गोपाल जी की मूर्ति ला। और उनको मालूम था कि मतलब डीटी कभी चल नहीं सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, मतलब डीटी हिल भी नहीं सकते। तो वो जो यंग ब्राह्मण होता है वो बात मान के, और उनको और जो बड़े ब्राह्मण होते हैं उनको भी फेथ होता है लॉर्ड गोपाल में, तो उनको मालूम था कि गोपाल जी आएंगे उनके बिजनेस के लिए, तो वो वृंदावन के लिए निकलते हैं। अच्छा, जब वो वृंदावन को पहुंचते हैं वो सबसे पहले गोपाल जी के मंदिर में जाते हैं और उनको अच्छा। बोलते हैं कि प्लीज आप मेरे विटनेस जैसे आइए। तो वो कहते हैं कि अरे ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक डीटी चल रहे हैं, एक डीटी एक जगह से दूसरे जगह पे जा रहे हैं, तो मैं कैसे आऊँ। तो वो कहते हैं कि सबको मालूम है कि आप भगवान हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, तो आपको हमारे साथ आने में क्या दिक्कत है। तो जो भगवान श्री कृष्ण पूरे घायल हो गए उनके भक्ति से, और वो बोले ठीक है मैं आऊंगा पर एक शर्त पर, आपको मालूम होगा मेरे जो पैंजन है, मेरे जो पैर में छुमछुम पहने हुए हैं मैंने, वो बचते रहेंगे, तो आपको समझ रहा होगा कि मैं आपके पीछे पीछे चल रहा हूँ, पर अगर आपने मुड़कर देखा तो मैं उधर ही रुक जाऊंगा। अच्छा। तो वो बोलते हैं ठीक है। तो फिर वो चलते रहते हैं चलते रहते हैं। वो जब गांव के पास में आते हैं तो गोपाल जी की पेंजन रुक जाती है, छुमछुम करना रुक जाता है। तो अच्छा। फिर यंग ब्राह्मण मुड़ के देखते हैं और उसके बाद गोपाल जी रुक जाते हैं और बोलते हैं कि हम गांव के पास में आ गए हैं, अब तुम जल्दी जाके सबको बुलाओ कि गोपाल जी आए हैं। तो वो भाग अच्छा। भाग के जाके सबको बुलाते हैं कि गोपाल जी आए हैं, और उन सबको ऐसा लगता है अरे गोपाल जी कैसे आए, वो सब भाग भाग के, और जो बड़े ब्राह्मण थे वो भी आए। तो उनको और उसी जगह पे उनकी शादी हुई, और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तुम मेरे बहुत अच्छे भक्त हो, तुम मेरे सबसे प्यारे भक्त हो दोनों भी। तो वो कृष्ण कहते हैं कि आपको मुझसे क्या चाहिए। तो वो कहते हैं हमें बस यही चाहिए कि आप सारे भक्तों को दिखें और सारे भक्तों को आपका दर्शन हो, तो कृपया आप यही रुकिए। तो वो उनकी इच्छा स्वीकार करते हैं और वो उधर ही रुकते हैं। तो उधर के जो राजा थे वो भी आए गोपाल जी को मिलने, और उन्होंने एक मस्त बड़ा सा टेंपल बनाया उनके लिए, और वो टेंपल अभी भी है। ये तो बहुत सुंदर कहानी थी, और आपने आपको सारी कहानी याद है, आपने इतने सुंदरता से पूरी कहानी बोली। वाह, बहुत बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। तो ये कहानी आपको क्यों पसंद है? क्योंकि इसमें उन दोनों डिवोटीज का फेट जो है वो भी नजर आता है, और भगवान श्री कृष्ण कैसे सबकी इच्छा मानते हैं, कैसे उनको अग्री करते हैं और सच में आते भी हैं। तो ये सबसे इंटरेस्टिंग है और रियल स्टोरी है, और ये हमारे भी हमारे केस में भी हो सकता है, सो इसलिए मेरी फेवरेट स्टोरी। आप अगर म्यूट हम हो माता पूरा, जी। अच्छा सॉरी, अब आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ माता जी। हाँ जी। तो आपको ऐसा विश्वास है कि ये हमारे केस में भी हो सकता है, मतलब भगवान जी अगर हम पूरे फेथ के साथ भगवान जी को बुलाएं तो भगवान जी हमारे लिए भी आ सकते हैं? जरूर आ सकते हैं, वो कभी भी आपको ना नहीं कहेंगे। इट्स सो ब्यूटीफुल, आपने इतनी सुंदर स्टोरी ये सुनाई है, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा ये सब ये आपके मुख से सुनकर एक्चुअली। अच्छा, तो एक बात बताओ कि आपने कहा आप होम स्कूलिंग करती हो, तो आप घर पे मतलब पढ़ाई करते हैं, तो आप सारा दिन क्या करते हो? मतलब हृदया जब सो के उठती है तो फिर वो क्या करती है, कैसे उसकी दिनचर्या होती है, वो हमें बताओ, क्या मैं खेलती है, क्या मस्ती करती है? मैं पहले मतलब मेरी बहन होने से पहले 4:30 बजे उठती थी और उठ के मंगल आरती वगैरह, पर अभी उसके वजह से हम कभी कभी रात को जागते भी हैं, थोड़ा जागरण होता है, आपकी इसलिए बहन मतलब मैं आपकी छोटी सी बहन है एक? छोटी सी बहन है, यस, उसका नाम अच्छा रति है। अच्छा
और वो कितने यस महीने की है, कितने दिनों की, कितने महीने अभी की? वो 7 तारीख को 2 महीने की हो जाएगी। अच्छा, तो बहुत छोटी है वो। तो आपकी बहुत बहन के आने छोटी से पहले आप सुबह 4 बजे उठा करती थी, 4:30 बजे, है। हाँ, 4:30 बजे, और फिर क्या करती थी आप? 4:30 बजे उठती थी, और उसके बाद हम मायापुर की जो लाइव आरती है वो अटेंड करते थे मम्मा और मैं, अच्छा, और बहुत अच्छा लगता था, इतना मस्त लगता था। हम दोनों भगवान जी को लाइव देख रहे थे, बहुत ब्यूटीफुल, मतलब बहुत अच्छा लगता था मुझे। आप इतनी जल्दी सुबह कैसे उठ जाते हो? आपको नींद नहीं आती? वो कभी कभी मैं नाटक करती हूँ, पर अभी डेली जब से उठने लगी हूँ, आदत लग गई है, तब से लगता अच्छा है कि मतलब सब ठीक से होता भी है, तो तब से लगता है कि सुबह उठना चाहिए। अच्छा और सब डिवोशनल सर्विस भी होती है, और श्री प्रभुपाद भी कहते हैं कि सुबह, और वो तो सिर्फ 2 घंटे सोते थे और वो 3 बजे उठते थे, जी। तो शील प्रभुपाद जी, तो सुबह उठना कितना इम्पोर्टेंट है ये वो शील प्रभुपाद बताते हैं। और वो कुछ लेते फॉरेन कंट्री में थे, और तब बहुत ठंड थी उधर, और वो जो पानी आता था वो पंप पंप होता था ना, तो फिर वो इतना बर्फ जैसा ठंडा 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 पानी आता था। फिर अच्छा सारे भक्त एक बार सोए हुए थे, प्रभुपाद को थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था, फिर भी प्रभुपाद 3 बजे उठे और सारे भक्तों के सामने उन्होंने प्रेजेंट किया कि मैं, मुझे ठीक नहीं है, फिर भी मैं उठ रहा हूँ। मतलब आपको उठना चाहिए, इतना इम्पोर्टेंट है, तो सुबह उठना, मतलब मैं उनसे भी बहुत इंस्पायर हूँ। अच्छा, प्रभुपाद इतना खुश हो रहे होंगे आपको सुन के इस वक्त, हृदय बहुत खुश हो रहे होंगे, बहुत आशीर्वाद दे रहे होंगे वो आपको। अच्छा, तो आप मंगल आरती अटेंड करने के बाद फिर क्या करते हो? मंगल आरती अटेंड करती हूँ, उसके बाद मैं जप जप अच्छा, करती हूँ। तो जब मैं 10 राउंड्स करती हूँ, आप 10 राउंड्स पूरी माला करते हो? अच्छा, हाँ 108, वाह। और आप माला करते हो तो आपको बोर नहीं होता, नींद नहीं आती माला करते समय, क्योंकि आपका दिमाग यहाँ वहाँ नहीं भागता, कुछ ऐसा नहीं होता आपको? जरूर भागता है, सबका दिमाग भागता है वो तो। पर मैं मोस्टली ट्राई करती हूँ कि हरे कृष्ण नाम पे, मतलब अगर हमने आंखें बंद की और दिमाग में कुछ आने लगा तो सिर्फ हमें सुनना है, उन्हें कुछ कुछ ध्यान नहीं देना, सिर्फ हमें हरे नाम सुनना है, मैं अच्छा, उस पे ही फोकस करती हूँ। और कभी बहुत अच्छा लगता है मुझे। और ऐसे कहते हैं कि अगर हमने पूरे मन से, पूरे हाँ, डिवोशन से अगर हमने चैंट किया तो भगवान श्री कृष्ण हमारी जो टंग होती है उन पे, उस पे डांस करेंगे, तो ये भी अच्छा, रियलिटी। हाँ तो मतलब अगर आप पूरे प्रेम से, पूरे कॉन्सेंट्रेशन से भगवान जी का नाम लेते हैं, तो वो आपके आपकी टंग पे आके नृत्य करते हैं, डांस करते हैं। यस हाँ वाह, अच्छा, ये बहुत सुंदर बात बताई आपने। तो फिर उसके बाद क्या, फिर आप मंगल आरती करती हैं और आप चैंटिंग करती हैं, और फिर? उसके बाद थोड़ी भूख लगती है मुझे, तो मैं कुछ खा लेती हूँ। और अच्छा, उसके बाद मेरे पास बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, रबर ज्वेलरी, फिर टेराकोटा क्राफ्ट, टेराकोटा पेंटिंग, और ये सब आपकी क्विलिंग, हॉबीज है? क्विलिंग ज्वेलरी, हाँ सब एक्टिविटीज है मेरे पास, और मुझे बहुत मजा भी आता है करने, पेंटिंग क्राफ्ट, रबर अच्छा, ज्वेलरी, बहुत कुछ आर्ट वर्क है मेरे पास, तो फिर उनमें से कुछ तो भी करती रहती हूँ। और फिर आप, तो आपकी हॉबीज जो आपने हमें बताई अभी, तो इसके अलावा आप स्पिरिचुअल हॉबीज क्या-क्या हैं आपकी? स्पिरिचुअल हॉबीज तो सबसे पहले कीर्तन, मुझे कीर्तन में बहुत मजा आता है। और मेरी बहन जो है, मैं बताना चाहूंगी कि वो हाँ, इतनी छोटी है, फिर भी हम हमारे पास एक छोटा सा डिस्को लाइट है, तो वो शाम अच्छा, को हम डिस्को लाइट लगाते हैं और फिर हाँ, कीर्तन लगाते हैं, तो
कीर्तन में मैं डांस करती हूँ मेरी बहन को लेकर, तो वो इतनी खुश गोद होती में है, लेके? मतलब हाँ गोदी में लेके डांस करती अच्छा हूँ, मतलब ऐसे लेते डांस करती हूँ मैं, तो फिर हाँ उससे भी इतना मजा आता है कि वो एक भी आवाज नहीं निकालती है और उससे शांत बैठ के अटेंड करती है, तो मुझे भी इतना अच्छा लगता है ना कि हाँ वो भी एंजॉय कर रही है कीर्तन, तो हम डेली कीर्तन करते हैं। वाह वाह वाह। तो आप हमारे लिए थोड़ा सा कुछ कीर्तन करोगे अभी, बहुत छोटा सा, मतलब 1 मिनट का? ठीक है, डिस्को लाइट लगा के करूं? नहीं, डिस्को लाइट मत लगाओ, जहां बैठे हो वहीं बैठे रहो, नहीं तो फिर आप कैमरे से इधर उधर हो जाओगे, फिर आपके फ्रेंड्स जो अच्छा है वो आपको देख नहीं पाएंगे, है ना? तो आप वहीं बैठ के करो, हाँ बाद में हम उनको डिस्को लाइट वाला दिखाएंगे। चलो चलो शुरू हो जाओ। हाँ हरे कृष्णा, मेरे पास अभी करताल भी नहीं है, ठीक कोई है। बात नहीं, कोई हरे बात नहीं। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। बोल, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, बहुत अच्छा गाया आपने, तो बहुत मजा आया ये सुन के। अच्छा एक और बात बताइए, आपने कहा आपको क्विलिंग आती है, कुछ टेराकोटा ज्वेलरी भी आपने कहा, बड़ी सारी चीजें बताई आपने, नहीं, तो टेराकोटा क्राफ्ट। अच्छा सॉरी मैं बुद्धू हूँ थोड़ी सी, तो ये सारी चीजों के साथ आपने कुछ ऐसा कुछ बनाया जिसको आपने कृष्णा को गिफ्ट किया होगा, कृष्णा के लिए अभी कुछ तक बनाया मैं आपने उसमें? अभी तक तो मैंने बहुत कम क्विलिंग ज्वेलरी बनाई है, मतलब अभी तक एक ही इयररिंग बनाया है, वो मैंने अभी तक पहना नहीं है। तो मैं अच्छा पूरी ज्वेलरी सेट बनाऊंगी, उसके बाद कृष्ण को ऑफर करूंगी, और उसके बाद एक कृष्णा के साइज का, अगर मुझे, मतलब हमारे पास फोटो फ्रेम है पर मेरे पास एक जी मूर्ति है, तो फिर मैं जी उसके लिए एक हार बनाऊंगी और मैं जरूर आपको बताऊंगी। ओके दैट्स वंडरफुल, बहुत बहुत मजा आएगा वो देख के। और अच्छा आपने शुरू में कहा था कि आप नासिक से हो, है ना? हाँ जी तो नासिक, नासिक एक धाम है, आपको पता है ये बात? हाँ, नासिक एक धाम है क्योंकि नासिक अच्छा में पंचवटी है, और पंचवटी में श्री रामचंद्र उनके भाई लक्ष्मण और उनकी पत्नी सीता जी के हैं, सीता जी के साथ नासिक आए थे पंचवटी में। अच्छा और वहां पे क्या हुआ था, पंचवटी के आसपास क्या हुआ था, आप जानते पंचवटी हो? में, हाँ पंचवटी में शूर्पणखा भी आई थी, तो शूर्पणखा उन्होंने नाक कापा था, तो फिर उससे हमारा नासिक नाम पड़ा है। नासिक मतलब संस्कृत में ना, मींस नोज को हाँ नासिका कहते हैं, इसलिए अच्छा नासिक का नाम नासिक पड़ा। वाह, आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? मेरी मामा को बहुत कुछ मालूम है, इसलिए वाह, वो मुझे पास करती है और मैं आपको पास ऑन करती तो आप हमारी फ्रेंड बन जाओ ताकि आप मम्मा से सीखो और फिर आप हमको पास ऑन करो ताकि हम भी कुछ सीख सकें आपसे, ओके? हूँ। हाँ अच्छा तो अब एक और चीज बताओ कि आपने कई साल पहले जब आप 4 साल के थे आपने कुछ डांस किया था, आपको याद है? हाँ क्या हाँ डांस था याद है याद वो? है, मैंने हरे कृष्णा पे एक डांस किया था छोटा सा। अच्छा और आपको डांस करना हाँ आता है? हाँ भरतनाट्यम आता आप सीख रहे हो भरतनाट्यम? है। हाँ अच्छा तो
आपकी मम्मा बता रहे थे उस समय 2,000 लोग बैठ के आपका डांस देख रहे थे, तो आपको ऐसे डर नहीं लगता, आपको नर्वस नहीं फील होता जब इतने सारे लोग आपके पास बैठे होते हैं, आपको देख रहे होते हैं तो? थोड़ा से नर्वस फील हो रहा था, बट इतना भी नहीं, तो बस छोड़ के मैं डांस कर रही थी, जस्ट डांस पे फोकस कर रही थी। अच्छा, तो हृदया के अंदर इतना सारा कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? मैंने एक मम्मा ने आपको बताया होगा कि मैंने मेरे पिताजी के साथ क्विट टोबैको कैंपेन किया था, तो हाँ तब मेरी मदर टंग मराठी है, तो फिर हाँ मैंने मराठी में किया था, और मींस जो फर्स्ट और सेकंड दो वीडियोस थे उनमें मैं इतनी नर्वस थी और इतनी डर गई थी। पहले बड़े मैं नहीं खाना चाहिए, मतलब इतनी नर्वस थी, और उसके बाद मैं इतनी फ्री हो गई कि तब से मेरा नर्वसनेस चला गया, और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अभी मैं पूरी मतलब पूरी स्ट्रांग होती हूँ, कभी भी नर्वस नहीं होती। अच्छा, तो भगवान जी की कृपा से आप में इतनी स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस आती है। यस अच्छा, आपने ये क्विट टबाको वाला जो कहा, तो टबाको टबाको हमें नहीं खाना चाहिए या टबाको अच्छी चीज है बुरी चीज है, बताओ हमें। टोबैको तो सबसे बुरी, टोबैको और सिगरेट जो है वो सबसे बुरी चीज होती है हमारे लिए, ऐसा क्यों बेटा? सबसे, क्योंकि जो सिगरेट की जो जो डब्बी होती है उसपे भी कैंसर लिखा होता है, हाँ सावधान ऐसा लिखा होता है, फिर भी हाँ लोग लेते हैं और उनको मालूम होता है कि उनकी हेल्थ के लिए वो बुरा है। हाँ फिर जैसे हम एडिक्ट हो जाते हैं कुछ कौन सी चीज से, वैसे हम इतना एडिक्ट हो जाते हैं कि हमारी हेल्थ को भी उसका प्रॉब्लम होता है और हमें कुछ समझ नहीं आता है। तो इसलिए मतलब हेल्थ वाइज तो बहुत ही बुरा है और हम उसे एडिक्ट हो जाते हैं, तो बहुत बुरा होता है मतलब टोबैको सिगरेट, अच्छा, तो हमें नहीं खाना चाहिए टबाको, राइट? बिल्कुल नहीं जो खाना जो चाहिए, यंग यंग दोस्त देख रहे हैं उनको आप ये कहना चाहोगे कि हमें टबाको नहीं खाना चाहिए, है ना? नहीं खाना चाहिए। गुड, थैंक यू थैंक यू। अच्छा, एक बात ये बताओ कि नन्ही सी हृदया, क्या अपनी मम्मी की हेल्प भी करती है? हाँ मैं मम्मा की हेल्प करती हूँ, अच्छा, किस काम में? अभी मम्मा जब प्रेग्नेंट थी तब मम्मा को हेल्प चाहिए रहती थी, तो कभी कभी रोटियां बना देती थी, पर मुझे अभी तक, सचमुच आपको रोटी बनानी आती हाँ है? हाँ मतलब प्रॉपर नहीं हाँ, आती है बट आती है। माय गॉड। अच्छा, मुझे शर्म आ रही है थोड़ी सी। जी। और अच्छा, तो आपका फेवरेट खाना कौन सा है? अब जो आपने रोटी की बात कर दी है, हृदया को क्या सबसे ज्यादा पसंद है? फेवरेट, सबसे ज्यादा मुझे राजमा राइस पसंद है। अच्छा, और आपको बनाना आता है? अनफॉर्चुनेटली नहीं बनाना नहीं आता, पर नहीं कोई मुझे बात सिर्फ वो सोक करना आता है, पर मुझे बनाने नहीं आता। ऑसम, मुझे तो आपको राइस आधा काम तो आता है। आधा आता है, पूरा नहीं आता। कोई बात नहीं, आप सीख लोगे। अच्छा, और एक और बात बताइए कि जैसे आपने कहा था कि वो साक्षी गोपाल की स्टोरी में वो दो ब्राह्मण यात्रा पे जाते हैं, तो वैसे ही हृदया ने आज तक कौन सी यात्रा की है? मैं एक बार द्वारका गई थी और दूसरी बार मैं जगन्नाथ पुरी गई थी। अच्छा, तो आपके दो पुरी हो चुके हैं, द्वारका पुरी और जगन्नाथ पुरी। आप ऑलरेडी आपने इनका दर्शन कर लिया है। हाँ जी, अच्छा, और आपको इन दोनों में से सबसे सुंदर कौन सा लगा? सबसे सुंदर, वैसे तो दोनों ही है पर जगन्नाथपुरी, और वो क्यों? क्योंकि जगन्नाथपुरी में मैंने मतलब मैंने जब यात्रा अटेंड की थी जी, तब मैंने जगन्नाथ जी को लाइव देखा था, तो मुझे मतलब इतना अच्छा लगा, मैं अभी आपको बता नहीं सकती हूँ,
और तब तब से मुझे बार बार जगन्नाथपुरी विजिट करने का मन करता है, तो मैं अच्छा दो बार जाके आई हूँ जगन्नाथपुरी। अच्छा वाह वाह वाह। आपने और जगन्नाथ जी तो बहुत मर्सीफुल है ना, बहुत बहुत प्यारे हैं, बहुत 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 मर्सीफुल होते नाइस। हैं ना। हाँ जी, अच्छा, आपने चैंटिंग के बारे में कहा था, तो मैं ऐसे ही पूछ रही हूँ, अगर आप नहीं करते हो तो कोई बात नहीं, पर क्या आप फास्टिंग भी करते हैं? कहते हैं कि भक्तों को एकादशी फास्ट ये सब रखना चाहिए, क्या आप फास्ट करते हो? हाँ मैं फास्ट करती हूँ। आप हर एकादशी पे फास्ट करते हो? हाँ जी, अच्छा, तो ये फास्ट क्या होता है, हमें एकादशी पे क्या करना चाहिए, क्यों फास्ट करना चाहिए, कुछ बताएंगे आप हमारे दर्शकों को? हम एकादशी इसलिए करते हैं कि हम भगवान को प्लीज कर सके। तो अच्छा मतलब जन्माष्टमी को हम इसलिए रखते हैं कि भगवान खुश हो कि हम सिर्फ उनकी डिवोशनल सर्विस में इन्वॉल्व रहे। अदर कुछ मतलब हम ज्यादा नहीं खाते हैं एकादशी को, तो वो तो ताकि हम ज्यादा वक्त कृष्ण कॉन्शियसनेस में डाल सके, कृष्ण की भक्ति में डाल सके, तो इसलिए हमने एकादशी करना चाहिए, एकादशी व्रत करना चाहिए। अच्छा, और आप आपके फ्रेंड्स हैं, मतलब आपने कहा आप घर पे पढ़ाई करते हैं, तो बाहर आपके कोई फ्रेंड्स हैं? हाँ है, मेरे बहुत फ्रेंड्स हैं। अच्छा, तो आपके फ्रेंड्स को पता है कि हृदया इतनी सारी भक्ति करती है, रोज चैंटिंग करती है, रोज इतनी जल्दी सुबह उठती है, वो जानते हैं ये सब आपके बारे में? पर शायद से जानते होंगे। मुझे याद है कि मैंने उन्हें बताया था और ना ही उन्हें पूछा था, पर अच्छा, उन्होंने हाँ, ऑलमोस्ट सबको मालूम है। तो उनका रिएक्शन कैसा होता है आपके प्रति, कि वो ऐसे सरप्राइज हो जाते होंगे आपको देख के कि यार आप इतना सब कैसे कर लेते हो? हाँ वो पूछते हैं हाँ कि तू सुबह कैसी उठती है, हमें तो उठा ही नहीं जाता। और मतलब कभी कभी पूछते हैं तो मैं बताती हूँ किसी चीजों तो जब को। जब वो पूछते हैं कि आप सुबह कैसे उठते, तो आप क्या जवाब देते हो? मतलब अगर कोई कहे कि मैं सुबह नहीं उठ सकती, मैं सुबह नहीं उठ सकता, तो आप क्या उसको कहोगे? अगर आपको उठा नहीं जा रहा है तो मेरा एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं भी पहले बहुत लेजी थी, मैं उठती नहीं थी, पर जब मैं उठने लगी तो जब सन राइज होता है, सन ऊपर आता है, तब ऐसा हाफ ऑरेंज स्काई होता है, तो वो सीन भी आपको देखने मिलेगा और डिवोशनल सर्विस के लिए भी आपको बहुत टाइम मिलेगा। और अदरवाइज ऑल्सो सुबह उठना बहुत इम्पोर्टेंट सुबह उठना बहुत इम्पोर्टेंट है। सुबह उठना क्यों इम्पोर्टेंट है बेटा? व्हाई व्हाई डू यू से इट्स इम्पोर्टेंट? वही तो कि हम अगर सुबह जल्दी उठें हाँ तो हमें हमारी सारी जो डिवोशनल एक्टिविटीज हैं वो हाँ अच्छी तरीके से पार पड़ती है। अच्छा और हम अगर सुबह उठें, और लेट उठना भी एक अच्छी आदत नहीं है, क्योंकि अगर हम देर से ही उठें ना तो हमें बहुत ज़्यादा स्लीप आती है, बहुत सोने का मन करता है। और अगर हम सुबह उठें तो आपको चाय तो बस 5-10 मिनट के पावर नैप अगर ली ना तो बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो अच्छा ऐसी मतलब ऐसी नेसेसिटी नहीं है कि आपने देर से उठना ही चाहिए, उठना ही चाहिए। जिनको हाँ न्यू है सुबह उठना तो उन्होंने 6 o'clock से स्टार्ट करना चाहिए। अच्छा, हाँ, तो जिन्हें आदत नहीं है वो 6 o'clock से स्टार्ट कर सकते हैं, और जब आदत लग जाए तो धीरे धीरे जल्दी उठना शुरू कर सकते हैं, है ना? यस। अच्छा, दैट्स वंडरफुल। अच्छा, तो आपने शुरुआत में भी कहा कि हमें कृष्णा पे फेथ होना चाहिए, तो हमें भक्ति क्यों करनी चाहिए? मतलब आपने कहा हमें भक्ति करनी चाहिए, स्पिरिचुअल हमें रहना चाहिए, तो हमें हाँ स्पिरिचुअल जी, क्यों होना चाहिए, हमें भक्ति क्यों करनी चाहिए, कृष्णा पे फेथ क्यों करना चाहिए, आप कुछ बताएंगे हमारे फ्रेंड्स को? देखिए सब इस मटेरियल वर्ल्ड में हैप्पीनेस ढूंढ रही है, खुशी ढूंढ रहे हैं, पर वो खुशी बहुत
कुछ पल की है, बहुत थोड़े पल की होती है, पर अगर हम स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, स्पिरिचुअल भक्ति को अपनाएं, तो उसका जो आनंद होता है वो कभी खत्म नहीं होता है, और इतना सुख मिलता है कि आपका जी खुश हो जाए, इतना आपको आनंद मिलता है, बहुत आनंद मिलता है। करते हैं तो आपको खुशी मिलती है। आप फिर से बोल सकती हैं माता जी? जब आप भक्ति करते हो तो आपको आनंद मिलता है, खुशी मिलती है, जैसा आपने अभी कहा। हाँ जी, वो मतलब मैंने जैसे आपको बताया, मैंने जब जगन्नाथ जी को लाइव देखा था तो मैं कितनी खुश हुई थी, तो हाँ वैसे ही मैं बहुत चीजों में खुश होती हूँ। जैसे कि चैंटिंग करती हूँ तब तो मुझे कभी कभी बहुत अच्छा लगता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है, और मतलब डिवोशनल सर्विस के, मतलब डिवोशनल लाइफ के अलावा आई डोंट थिंक कि कुछ रस है लाइफ में। आपको अभी से ऐसा लगता है कि डिवोशनल लाइफ के अलावा कोई रस नहीं है लाइफ में। नहीं, अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ यार, कि आज आपकी उम्र के बच्चे जो हैं वो अभी बैठ के वीडियो गेम खेल रहे होंगे या डिज्नी चैनल देख रहे होंगे, कुछ और देख रहे होंगे, और आप और मैं यहाँ बैठ के हरे कृष्णा टीवी पे ये शो कर रहे हैं, तो ये हाउ बोरिंग यार। वो सब में ज्यादा मजा है नहीं? देखिए अभी बाकी के, जैसे मैंने बताया कि बाकी के सब लोग हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं, पर वो जो हैप्पीनेस है मैंने बताया, बहुत थोड़े कुछ पल का हैप्पीनेस होता है। पर जैसे अभी मुझे भी बहुत अच्छा लगला है कि मैं आपके आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और आपको जी भी बहुत अच्छा लगता होगा कि आप अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछ रहे हो, तो जी मजा आ रहा है हमें दोनों को, और डिवोशनल लाइफ में भी हम अच्छा कर रहे हैं। मतलब अगर हमने एक अच्छा डिवोशनल, मतलब हम अगर प्योर डिवोटी बने, तो आप बिलीव नहीं कर सकते आप कितने खुश रहोगे। अच्छा, वाह। अच्छा एक बात बताओ, आपके मम्मा इनिशिएटेड है ना, उनकी दीक्षा हो गई है। हाँ जी, अच्छा, तो उनके जो गुरु महाराज हैं उनका नाम बताइए आप हमें। मामा के गुरु महाराज जी का नाम है भक्ति विकास स्वामी महाराज। अच्छा, तो आप कभी मिले उनसे, आपने कभी उनसे आमने सामने आप मिले उनसे, आपने कभी उनका आशीर्वाद लिया है? हाँ, मैं सबसे पहले उनसे मुंबई में मिली थी, और उसके बाद द्वारका में, जब मम्मा के इनिशिएशन के लिए हम द्वारका गए थे। अच्छा, और तब क्या हुआ था, आप कुछ बताओगे? और तब मैं उनसे जब मिली तब मैंने उन्हें दंडवत किया, और उसके बाद मुझे इतना, मतलब मैं बहुत खुश थी कि मेरे सामने प्रभुपाद जी के जो डिसाइपल हैं वो बैठे हैं, और ही इज इक्वल टू प्रभुपाद जी, और मतलब मुझे बहुत अच्छे प्राउड फील हो रहा था कि मतलब कृष्णा ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं उन्हें मिल सकी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं उन्हें मिली तब। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। और दूसरे टाइम कब मिले थे आप, ये बॉम्बे में हुआ था फिर? फिर मैं, हाँ, द्वारका में मिली थी मम्मा के इनिशिएशन के अच्छा, बाद। तो गुरु महाराज ने कभी आपसे कुछ कहा, उन्होंने कुछ बोला आपको कभी? मैंने एक बार उनको लॉर्ड कृष्णा, सॉरी, मदर यशोदा बाइंस लॉर्ड कृष्णा, ये जो स्टोरी है कृष्ण बुक में, वो रीड हाँ? करके बताई थी, तो तब उन्होंने बोला कि यू आर गुड, यू आर रीडिंग वेरी नाइस, अच्छा, सो तब वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और अच्छा, आप इतनी सारी बुक्स पढ़ते हो तो आपको कोई श्लोकास वगैरह याद है, कंठस्थ है आपको कोई श्लोका? हाँ मुझे याद है। आपका फेवरेट जो भी हो वो एक श्लोका हमें सुनाइए, और उसका मतलब भी बताना पड़ेगा, चलेगा? हाँ जी, ठीक है ठीक है। ओके, शुरू हो जाओ। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। इसका अर्थ है,
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि अगर आप आपके सारे काम छोड़ के मेरे शरण में आ जाओ जी तो मैं आपके सारे पाप वॉश कर दूंगा, आपके सारे पाप धो दूंगा और आपको कुछ डरने की जरूरत नहीं है। आप सारी चीजें छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा, तो अभी हमारे पास बहुत सारे जो हमारे दोस्त हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, दर्शक जो हैं हमारे, वो अभी आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और वो भी आपसे बातें करना चाहते हैं। तो अभी हम थोड़ी देर में उनके प्रश्न लेना शुरू करेंगे। आप तैयार हैं उनके प्रश्न लेने के लिए? ओके, यस तैयार हूँ। तो हम दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि कृपया अपने प्रश्न हम तक भेजना शुरू कर दें, ताकि हमारी नन्ही सी हृदया आप सबके हृदय को छू ले अपने इन इन जवाबों के साथ। एंड अच्छा, तो एक और चीज बताइए, आपको ये जो इतना कोरोना वायरस हो रहा है, आपने एक और कुछ किया था जो कोरोना वॉरियर्स के लिए किया था, उसके बारे में कुछ बताइए हमें। हाँ, तब अभी जैसे ये जो प्रिंटर्स हैं, पेपर जो प्रिंट करते हैं, उनकी भी हाँ बहुत ज़्यादा मेहनत है। फिर जी, जो न्यूज़ बताते हैं एंकर्स जो हैं, वो भी बहुत मेहनत करते हैं। फिर जो हमारे सारे हॉस्पिटल में नर्सेस, डॉक्टर्स, वार्ड बॉयज़, सारे बहुत जी मेहनत कर रहे हैं, तो उनके लिए एक मैंने चेयरअप करने उनके उनको चेयरअप करने के लिए मैंने कैंपेन शुरू किया था क्या कहा था आपने उनको? कि मतलब बाकी के दर्शकों को मैं बताना चाह रही थी कि आपके लिए ये लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं। ये न्यूज़ कौन भेज रहा है? एंकर्स मेहनत ले रहे हैं आपके लिए और आपको वो सावधान कर रहे हैं कि घर से बाहर मत पड़ो, पर आप उनकी बात नहीं मान रहे हैं। क्यों नहीं मान रहे हैं? वो आपके अच्छाई के लिए बोल रहे हैं। तो जी ऐसे मैं बहुत सारी वीडियोस बनाती थी अलग अलग टॉपिक्स। वाओ, वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। तो अभी हम दोस्त अपने दर्शकों क्वेश्चन लेंगे, उससे पहले आप हमें ये बताइए कि हमारे ये सारे जो दोस्त हमसे बातें कर रहे हैं अभी, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं उनको ये संदेश देना चाहूंगी कि भगवान श्री कृष्ण सबसे प्यारे हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपने उन पर फेथ रखा तो वो आपका कभी भी दिल नहीं तोड़ेंगे। और थोड़ा वक्त लग सकता है आपकी आप मतलब कि वो आपकी डिजायर माने, पर अगर आपने फेथ वैसा ही रखा तो आपकी जो डिजायर है वो फुलफिल हो जाएगी। अच्छा, और अगर जब वो वक्त लग रहा होता है और तब फेथ डगमग डगमग होता है, तो इंसान को क्या करना चाहिए हृदया? तो कभी कभी फील हो सकता है कि अरे यार मैं तो इतने देर से वेट कर रहा हूँ, अभी तो कुछ नहीं हुआ। तो मेरे केस में भी वही हुआ था। मुझे सिबलिंग चाहिए अच्छा था, मुझे भाई चाहिए थे या बहन चाहिए, मैं किसी से भी सेटिस्फाइड थी। तब हाँ आई थिंक 2-3 इयर्स मैं उन्हें प्रे कर रही थी। और अभी मेरी अच्छा एक छोटी सी बहन है, तो मेरा एक बहुत जी बड़ा एग्जाम्पल है। तो मैं अभी कभी भी फेथ नहीं छोड़ूंगी कृष्णा। वाह वाह वाह। तो आपने भगवान जी से प्रे किया था कि मुझे एक छोटी सी बहन या एक छोटा सा भाई दे दो, और उन्होंने सुन लिया आपकी बात, है ना? हाँ जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा, तो अभी हम तुरंत से हमारे जो दोस्त हैं, दर्शक हैं, इतने सारे व्यूअर्स हैं हमारे, आपके सारे फ्रेंड्स, उनसे बातें करना शुरू करेंगे। और उससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है जो हम अपने दर्शकों को देना चाहते हैं, और वो ये है कि गीता यज्ञ है, 14 तारीख को गीता जयंती है, 14 दिसंबर को। दोस्तों, ये वही दिन है जिस दिन श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में, श्री धाम कुरुक्षेत्र में अर्जुन को हम सबको बताने के लिए अर्जुन को भगवद गीता का ज्ञान दिया था। और इस पर्व को मनाने के लिए गीता महायज्ञ हो रहा है कुरुक्षेत्र में, और हरे कृष्णा टीवी एक स्पेशल गीता यज्ञ ऑर्गेनाइज कर रहा है स्वयं कुरुक्षेत्र धाम में, उस भूधरा पर जहाँ पर
कृष्ण ने अर्जुन को ये ज्ञान उस समय दिया था, और ये जो ज्ञान है, उस भगवत गीता का जो ज्ञान है, ये आज भी आप सभी के घरों तक गंगा की तरह, गंगा के तेज बहाव से हम आपके घरों तक ले आ रहे हैं। तो इस यज्ञ में आप कृपया करके हिस्सा लीजिए, और आप जो भी दक्षिणा देंगे अपनी श्रद्धा अनुसार, आप जो भी दक्षिणा देते हैं उसका इस्तेमाल पूरी तरह से भगवत धर्म का प्रचार करने में किया जाता है। तो जरूर इसमें आप भाग लीजिए। और जो चैट है, लाइव चैट जो है, उसमें लिंक डाल दिया है हमने, आप उसको देख सकते हैं। स्क्रीन पर भी अभी सारे डिटेल्स हैं आपके सामने, आप उनको देख सकते हैं, और बिल्कुल इस यज्ञ में शामिल होइए, बहुत अच्छी तरह से शामिल होइए। धन्यवाद। ओके, तो अब हम हमारे नेक्स्ट राउंड की तरफ जाते हैं। इस छोटी सी मुलाकात में दो राउंड होते हैं। पहली मुलाकात में हृदया ने हमारे साथ बात की, और अब हमारे सारे दर्शक जो है वो हृदया के साथ बात करेंगे। ऑलराइट, यस, ओके। तो चलिए, पहला पहला जो सवाल आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है, चलो देखते हैं कौन पूछ रहा है। अच्छा, रवि भूषण जी हैं, हृदया ये आपसे पूछ रहे हैं। हृदया, आप कब से भक्ति कर रहे हो बेटा? मैं जब से बॉर्न हुई हूँ तब से मैं भक्ति कर रही हूँ, और तब से मेरी माता ने मुझे डिवोशनल सर्विस में इन्वॉल्व रखा था। तो मुझे, मतलब मैं छोटी थी तब से डिवोशनल सर्विस कर रही हूँ। हाँ, तो अब बचपन से ही आपने, जैसे आपकी छोटी सी बहन जो है उसको आप कीर्तन सुनाते हो, वैसे ही आपकी मम्मा ने भी आपको बहुत सारा कीर्तन सुनाया, इसलिए आपके मन में इतना स्ट्रॉन्ग फेथ है कृष्णा के प्रति, है ना? हाँ जी। अच्छा, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। ये राम प्रकाश बाबू हैं, और ये आपको कहते हैं छोटी माता जी। इन्होंने इतना प्यारा नाम रखा है हृदया आपके लिए, छोटी माता जी। तो कहते हैं, छोटी माता जी, हाउ टू रिड्यूस मटीरियल डिजायर्स? आई डू स्पिरिचुअल एक्टिविटीज बट स्टिल हैव मेनी मटीरियल डिजायर्स। तो राम प्रकाश जी जो हैं हृदया, वो पूछ रहे हैं कि ये जो मटीरियल डिजायर्स है ना, उनको कम कैसे करना है? जैसे आपने कहा था मटीरियल वर्ल्ड है, तो ये मटीरियल वर्ल्ड में मटीरियल डिजायर्स हैं, तो उनको कम कैसे करना है? और राम प्रकाश जी कहते हैं कि वो काफी भक्ति की कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी उनके मन में बहुत सारी मटीरियल डिजायर्स तीव्र होती हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए? आप कुछ हेल्प कर सकते हैं उनकी? यस, जरूर कर सकती हूँ। बहुत बार मैं मटेरियल चीजों से अट्रैक्ट होती हूँ, पर जब मैं अट्रैक्ट होती हूँ तब मैं उसे ज्यादा करके इग्नोर करना ट्राई करती हूँ। अभी बहुत, मतलब हो सकता है सब सबकी नॉर्मल ये है कि हम कोई डिवो मीन्स मटेरियल चीज से अट्रैक्ट हो जाए और वो करने का डिजायर करे, पर अगर हम उसे ध्यान नहीं देंगे, उसको इग्नोर करेंगे और सिर्फ स्पिरिचुअल एक्टिविटी पे ध्यान देंगे, और तो धीरे 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 आपके सारी जो मटेरियल डिजायर्स हैं वो वॉश हो जाएंगी। तो ज्यादा करके ऐसे ट्राई करिए कि आप पूरे वक्त, पूरे टाइम आप डिवोशनल सर्विस में एंगेज रहो, तो तब आपका सारा जो, मतलब मटेरियल डिजायर्स है वो वॉश हो जाएगा। स्पिरिचुअल काम करना चाहिए और ज्यादा डिवोशनल सेवा करनी चाहिए, है ना? माता जी, आप रिपीट कर सकती हैं? मुझे ठीक से आवाज नहीं आया आपका। हाँ, मैंने कहा कि इसका मतलब जब आपको मटेरियल डिजायर्स आती हैं तब आपको भगवान जी की और ज्यादा सेवा डट के करनी चाहिए, है ना? यस, हाँ जी। ओके, वेरी नाइस। राम प्रकाश जी, हम आशा करते हैं कि छोटी माता जी ने आपके प्रश्न का जवाब दे दिया। अब आगे चलते हैं। ये है जशश्री जी पूछती हैं, हाय बेटा, यू आर अ प्योरली गिफ्ट, यू आर अ प्योरली अ गिफ्ट ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा। अच्छा, तो जशश्री जी आपको बहुत सारा प्यार भेज रही हैं, और वो कहती हैं कि आप कृष्ण भगवान के बहुत सुंदर गिफ्ट हो। आप कुछ कहना चाहते हो? थैंक यू वेरी मच, बट मुझे नहीं लगता ऐसा, पर अगर आपको लग रहा है तो हो सकता है।
आपको क्यों नहीं लगता ऐसा? आप इतने प्यारे हो, आपको क्यों नहीं लगता आप गिफ्ट हो? सबको ऐसे ही लगना चाहिए, अभी जितना भी आप एडवांस रहो फिर भी आपको लगना चाहिए कि आपको कुछ और करना है, आपको कुछ और करना है, तो कि अभी ठीक है, अभी बस हो गया, अभी हो गया, वैसे नहीं करना है हमें। जितना हम और करना ट्राई करें, जितना हम और डिवोशनल भक्ति करें, उतना बहुत अच्छा होगा। मतलब व्यक्ति में हमेशा नम्रता रहनी चाहिए, है ना? विनम्रता रहनी चाहिए व्यक्ति में, ऐसा कह रहे हैं ना हाँ जी, आप? वाह, बहुत सुंदर। ओके, तो नेक्स्ट है द ड्रीमर। द ड्रीमर का क्वेश्चन है, बिना डिस्ट्रैक्शन से कैसे इतनी भक्ति करती हो? मोबाइल टीवी बिना आजकल के बच्चे तो रह ही नहीं सकते। तो द ड्रीमर कहते हैं कि आप इतनी सारी भक्ति बिना किसी डिस्ट्रैक्शन से कैसे कर लेते हो, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं, आपकी उम्र के जो बच्चे हैं, वो बिना मोबाइल और टीवी के तो रहते ही नहीं, तो आप कैसे कर लेते हो? हाँ, मैं भी बहुत बार अट्रैक्ट हो जाती हूँ, पर अभी सब होते ही हैं तो मैं भी हो जाती हूँ कभी कभी। पर अब ये जो टीवी, मतलब ये जो नॉन डिवोशनल टीवी है, वो छोड़कर मैं अपनी कुछ और सीडी लगा लेती हूँ। ऊपर हमारे एक छोटा सा डीवीडी है, तो फिर उसपे मेरे पास बहुत सारी कृष्ण कॉन्शियस सीडीज हैं, तो मैं वो सीडीज लगाती हूँ, वो देखते रहती हूँ। और एक चैनल है शिक्षार्थकम, तो उसमें हाँ, वो बहुत अच्छी तरीके से प्रीच कर रहे हैं, तो वो अच्छा, चैनल मुझे बहुत पसंद है। उसमें वो बहुत फनी भी ऐड करते हैं, और पर वो जो डिवोशनल जो वो पार्ट होता है, वो जो बताना चाह रहे होते हैं, वो कभी वो मिस नहीं करते हैं। तो वो चैनल मुझे, मेरी सबसे फेवरेट चैनल है शिक्षार्थक। अच्छा, वाह। और हरे कृष्णा चैनल के बारे में आपका क्या थॉट है? मैं सबसे पहले हरे कृष्ण चैनल को थैंक यू कहना चाहती हूँ। नहीं, अच्छा, मैं बोले पहले भी बोलना चाह रही थी, तो अभी मुझे चांस मिला है, तो थैंक यू वेरी मच हरे कृष्ण टीवी, आपने मुझे इनवाइट किया, और मैं आपके माध्यम से हरे कृष्ण डिवोशनल सर्विस को प्रीच कर रही हूँ, एंड मुझे अच्छा मौका देने के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। हमें बहुत आनंद है कि आज आप हमारे साथ में, बहुत मजा आ रहा है। चलो अब जल्दी से अगला प्रश्न लेते हैं, जो कि है सुगंधी लक्ष्मी नारायणन जी की तरफ से। ये कहती हैं, प्लीज प्रे डियर गोपिका फॉर द होल यंगर जेनरेशन टू बी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो सुगंधी जी कह रही हैं, वो आपको रिक्वेस्ट कर रही हैं कि आप सबके लिए प्रे करें कि ये जितने भी हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, आपकी तरह सारे विश्व भर में जो बच्चे हैं, वो भी कृष्ण भगवान की भक्ति में हमेशा निरंतर जुड़े रहें, ऐसा ही हमसे कह रही हैं प्रे करने के लिए। हाँ जी, मैं ज़रूर प्रे करूँ, और सबसे सच्ची कहूँ तो मैं डेली प्रे करती हूँ कि मेरे सारे जो फ्रेंड्स हैं वो भक्त हों, और उनकी भी एक बहुत अच्छी लाइफ हो। अभी वो बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, हाँ, तो उससे भी अच्छी लाइफ हो उनकी, तो मैं डेली प्रे करती ही हूँ। और अब चाहे तो मैं और अच्छी तरीके से प्रे करूँ। वाह। तो आपकी आपकी प्रेयर क्या होती है, क्या बोलते हैं आप प्रेयर में, भगवान जी को सुबह प्रेयर जब कैसे करते हैं? जब करती हूँ, तो जब के पहले मैं बोलती हूँ कि मेरे जो सारे मटेरियल डिजाइन्स हैं वो वॉश ऑफ होने दीजिए, मुझे आपकी डिवोशनल सर्विस में और भी ऊपर जाना है, और मेरे सारे जो फ्रेंड्स हैं, सारे जो बाकी के बच्चे हैं छोटे छोटे, और सारी बाकी की जो पब्लिक है वो कृष्ण कॉन्शियसनेस में आए, उनकी लाइफ को अच्छा बनाए, उनकी लाइफ को स्पिरिचुअल बनाए, तो ऐसे डेली मैं प्रे करती हूँ। अच्छा, पर हृदय, आप तो बाकी सब लोगों को जानते भी नहीं, तो आप उनके लिए क्यों प्रे करते हैं? आप ऐसा होता है ना कि आप जिसे जानते हैं आप उसके लिए प्रे करो, या आप अपने लिए प्रे करो, बट बाकियों को तो आप जानते नहीं, फिर आप क्यों उनके लिए प्रे करते हो? देखिए, मैं खुद
जब अभी डिवोशनल सर्विस में हूँ तो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ हैप्पीनेस क्या होता है, डिवोशनल और स्पिरिचुअल हैप्पीनेस क्या होता है। तो मैं चाहती हूँ कि बाकी के भी लोग भी स्पिरिचुअल हैप्पीनेस को अपनाएं और पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड के जो पीपल हैं, सारे जो लोग हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के भक्त हों, ऐसे मेरी डिजायर है, ऐसे मैं विश करती हूँ। और आई होप आपके डिजायर जरूर कृष्णा फुलफिल करें, रियली really. अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अभी फटाफट जो कि आ रहा है हमारे पास। राखी वर्मा जी कहती हैं, हरे कृष्णा बेटा, मैं भी अपने 5 ईयर की बेटी को भक्ति कराना चाहती हूँ, तो कहाँ से शुरुआत करूँ? अच्छा, तो राखी जी वो भी एक मम्मा है जैसे आपकी मम्मा है ना, तो वो कहती है कि उनकी भी एक 5 ईयर्स की बेटी है, जैसे आप 9 ईयर्स की हो उनकी एक 5 ईयर्स की बेटी है, तो वो चाहती हैं कि उनकी वो 5 ईयर्स की बेटी भी भक्ति करे जैसे आप करती हैं, तो वो जानना चाहती हैं कि उन्हें कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, क्या करना चाहिए उन्हें अपनी बेटी को भक्ति में लाने के लिए। सबसे पहले तो जैसे मैं मेरी बहन के केस में करती हूँ कि हम पूरा कीर्तन करते हैं शाम को, और फिर जैसे जैसे आप मतलब उसको इन्वॉल्व करोगे, वैसे वैसे उसको वो अच्छा लगने लगेगा। फिर उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि अलग अलग बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, और हमारी एक चैनल भी है कान्हा होम स्कूल, तो उस पर भी मैं मेरे वीडियोस अपलोड करती हूँ, तो अच्छा आप वहाँ से भी कुछ आइडियाज ले सकते हैं। और बहुत स्टोरी बुक्स भी हैं, हाँ फिर और धीरे धीरे उसको चैंटिंग भी चैंटिंग भी करने बता सकते हो। और जैसे मैं स्टार्ट हुई थी, मैं एक माला से स्टार्ट किया मैंने, उसके बाद धीरे धीरे 8 किए, और उसके बाद डायरेक्टली 16 किए, पर अभी मेरी बहन के वजह से मैं 10 कर रही हूँ। अच्छा तो आपने चैंटिंग कब करना शुरू किया था हृदया? कितने साल हो गए या कितने महीने हो गए? मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, बट आई थिंक जब मैं 4 ईयर्स की थी, माय गॉड, अच्छा मैं आप बहुत जल्दी बोलने लगी इतने। थी, तो हाँ मैं थोड़ी थोड़ी चैंटिंग करती थी पहले भी, पर आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। मैं मामा को पूछ के आपको कंफर्म करूंगी बाद में। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके तो राखी जी, आशा करते हैं कि हृदय से आपको बहुत सारी इंस्पिरेशन मिल रही है। आइए अगला प्रश्न लेते हैं अभी जो कि आ रहा है हृदय के लिए स्क्रीन पे। अब कृष्ण भगत ये कहते हैं, बेटा विच मंत्र शुड वी चैंट टू रिमेन स्टेबल? तो कृष्ण भगत जी जो हैं, इनका प्रश्न है हृदय कि इन्हें कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए? हरे कृष्ण, ऑफ कोर्स हरे कृष्ण महामंत्र, क्योंकि अच्छा जितना हम मन लगा के हरे कृष्ण महामंत्र गाएं, चैंट करें, जी उतना ही हम स्टेबल होंगे, उतना ही हम हम्बल होंगे। तो हरे कृष्ण महामंत्र इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मंत्र। मैंने आपको जैसे बताया, सबसे पहले मैं चैंटिंग ही करती थी, और उसके पहले भी मैं हरे कृष्ण महामंत्र ही मतलब अम्मा मेरे आसपास गाती थी, तो मतलब हरे कृष्ण महामंत्र बहुत क्लोजली है मेरा, तो हरे अच्छा कृष्ण महामंत्र मैं आपको सजेस्ट करूंगी। अच्छा और आपने कहा हरे कृष्ण महामंत्र को चैंट करने के क्या क्या फायदे, आपने क्या बताया अभी, एक बार दोबारा से बताइए। हरे कृष्ण महामंत्र अगर हमने चैंट किया, तो हाँ हम अगर पूरी श्रद्धा से, पूरे फेथ से अगर हमने हरे कृष्ण महामंत्र चैंट किया, तो भगवान श्री कृष्ण हमारी जो टंग है उस पे हाँ नृत्य करते हैं, डांस करते हैं। और अच्छा अगर हम या तो अच्छा और आपने कहा आप बहुत हम्बल हो जाओगे वो चैंट करने से, ऐसा होता है? आप हम्बल हो जाओगे मंत्र चैंट करने से? जी जरूर, मैं मेरा खुद का एग्जाम्पल, एक पोयम थी जो हाँ मैंने रीड की थी, आपने लिखी थी? मुझे नहीं, मैंने रीड की थी, मैंने लिखी अच्छा नहीं आपने थी। अच्छा तो इट मेक्स मी कैन हम्बल, ऐसा कुछ तो भी था। अच्छा तो
मुझे याद नहीं है, पर जी। तब से मैं हम्बल होने लगी थोड़ी थोड़ी। अच्छा, वाओ, वंडरफुल वंडरफुल। ठीक है, तो अच्छा, अब आप जो हमारे जिन्होंने प्रश्न पूछा था उनके लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल दीजिए, ताकि उन्हें पता लग जाए कैसे हरे कृष्ण महामंत्र बोलना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये पूरा हरे कृष्ण महामंत्र। अच्छा, ठीक है। तो कृष्ण भगत जी, हम आशा करते हैं आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अभी जो आ रहा है हृदया के लिए, नॉलेज विद पुनीत पूछते हैं, क्या ऐप का अलावा आपका पेरेंट्स भी भक्ति, अच्छा ये पूछ रहे हैं, क्या आपके अलावा आपके पेरेंट्स भी भक्ति करते हैं? तो ये जानना चाहते हैं कि क्या आपके पेरेंट्स भी भक्ति में हैं, या सिर्फ आप ही भक्ति करते हो अकेले घर में? तो इनको आप नहीं नहीं बताइए। नहीं नहीं मैं भक्ति करती हूँ और मेरी माँ भक्ति करती है। अच्छा, और अब आपके साथ अब अपनी सिस्टर को भी भक्ति करा रहे हो, और हाँ, वो तो भूल ही गई आपकी ही मेरा सिस्टर अभी भक्ति सिर्फ 2 मंथ्स करा। की, और आपने उसको कीर्तन सुनाना शुरू कर दिया है। हाँ ना, नहीं ओके, वंडरफुल। वो जब आई थिंक 1 month की कंप्लीट हुई और उससे पहले से ही हम कीर्तन करते हैं, तब से वो एंजॉय करती है, बहुत पहले से। अच्छा, हाँ जी, बहुत सुंदर। ठीक है, चलो अगला प्रश्न लेते हैं। ये है जितेंद्र, जितेंद्र गोसाई की तरफ से। ये कहते हैं छोटी माता जी, आपका तो नाम ही लग गया अभी, है ना? बहुत प्यारा सा नाम है आपका, छोटी माता जी। तो थैंक यू वेरी छोटी मच। माता जी, यू आर इंस्पिरेशनल, ये आपसे कह रहे हैं कि आप बहुत इंस्पिरेशनल हैं। प्लीज शेयर नेम ऑफ सम डिवोशनल स्टोरी बुक्स विच अ 8 to 10 years चाइल्ड मस्ट रीड। वाओ, तो जितेंद्र जी कहते हैं कि पहले तो ये आपको बहुत सारा थैंक यू बोल रहे हैं, बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं, और फिर कह रहे हैं कि क्या आप इन्हें बता सकते हैं कि 8 से 10 साल के बच्चे को कौन सी स्टोरी बुक रीड करनी चाहिए, कैसी डिवोशनल स्टोरीज रीड कर सकते हैं, वो कहाँ से रीड कर सकते हैं, कुछ बताओगे आप? वैसे तो बहुत सारी स्टोरी बुक्स होती हैं, अगर आप नेट पे सर्च करें तो बहुत सारी है रहती हैं, और ऐसे बहुत सारे शॉप्स होते हैं, और मेनली हमारा जो टेम्पल है तो मम्मा ने सारी जो मेरी बुक्स हैं वो टेम्पल से ही ली हैं, तो टेम्पल में आपको बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी बुक्स मिलेंगी और बहुत सिंपल होते हैं रीडिंग, और उनके बहुत अच्छे अच्छे पिक्चर्स भी होते हैं, और सारी स्टोरीज होती है जैसे कि पूतना, अखासुर, फिर त्रैंबक, सॉरी कौन सा, बकासुर, बहुत सारी स्टोरीज हैं। अच्छा, तो अच्छा, तो हमारे हमारे जो दर्शक थे उनको हम अभी कहना चाहेंगे कि आप, जैसे हृदया ने कहा, आप मंदिर में से भी जाके बहुत सारी किताबें ले सकते हैं, आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। कृष्णा नाम की एक बुक है जिसके अंदर बहुत सारी स्टोरीज होती हैं, जो हृदया ने भी पढ़ी है। और इसके अलावा जैसे इन्होंने आपसे कहा कि ऑनलाइन अगर आप सर्च करें तो काफी सारे चैनल्स हैं जिसपे आपको स्टोरीज मिल जाएंगी, हरे कृष्णा टीवी पर भी आपको बहुत सारी स्टोरीज मिलेंगी। तो हम आशा करते हैं आपकी खोज में आपको कुछ मदद मिले। और चलिए अगला प्रश्न ले फिर हृदया, नेक्स्ट क्वेश्चन ले। यस ओके, माता जी, हाँ जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विवेक तिवारी जी की तरफ से। ये कहते हैं, व्हेन वी चैंट मंत्रा और टाइम ऑफ फुल डे वी कैन डू इट। अच्छा, तो ये पूछ रहे हैं विवेक तिवारी जी कि हमें मंत्र जो है हरे कृष्ण महामंत्र जो आपने कहा, ये किसी पर्टिकुलर टाइम पे चैंट करना चाहिए, या हम सारा दिन कभी भी कर सकते हैं इसको? अभी जो सुबह नहीं कर पा रहे हैं हाँ, ये उनके लिए ठीक है, पर दिन में कभी भी कर सकते हैं, पर एक जगह बैठकर और पूरे अटेंशन के साथ करना है, और मैं मतलब सजेस्ट करूंगी कि सुबह ही करना है, तो सुबह सारे जो कोटा है वो खत्म कर देना है ताकि आपको स्ट्रेस नहीं रहेगा और आपकी सारी चैंटिंग हो जाएगी। तो सुबह का जो टाइमिंग होता है जैसे कि 7 से लेके 9 तक के टाइमिंग में हो जाना चाहिए, और अगर आप जल्दी उठ रहे हो तो उस टाइमिंग में भी आप कर सकते हो टाइम निकाल के। अच्छा
अच्छा। और तो ये सुबह में हमें मंत्र कर लेना चाहिए जैसे आपने बोला, और आपने कहा एक ही जगह बैठ के करना चाहिए, तो मतलब इसको करते समय ऐसे मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते, जैसे फोन पे बात करते समय चैंटिंग कर लो या टीवी देखते समय चैंटिंग कर लो, इज दैट ओके? नहीं, क्योंकि हम अगर कुछ और चीज कर कुछ और चीज में इन्वॉल्व है तो सिर्फ हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 ऐसा रहेगा वो। तो मतलब अच्छा हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, और आधे टाइम तो हम बात कर रहे होंगे और आधे टाइम हम देख रहे होंगे, तो जो हाँ मेन है जो चैंटिंग है वो हम मिस कर देंगे। तो अच्छा मतलब सिर्फ चैंटिंग और सिर्फ चैंटिंग पे ही ध्यान देना है। हाँ, ताकि जब कृष्णा आपकी टंग पे आके बैठे तो आप कृष्णा को देख सको, उनको पकड़ लो, है ना? हाँ, और वो भी अच्छी ओके तरीके से डांस कर सके। हाँ, हाँ यस यस। और कृष्णा को तो डांस करना बहुत अच्छा लगता है, वेरी बहुत ब्यूटीफुल। अच्छा लगता है। बिल्कुल हृदया की तरह। अच्छा, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हृदया, जो कि है हमारे पास प्रथमेश शिवाले कहते हैं, हृदया क्या आपने गीता रीड की है? प्रथमेश जी आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या आपने गीता रीड की है बेटा, भगवत गीता? हाँ, मैंने पूरी तो अभी तक नहीं रीड की है, पर मैंने 15 चैप्टर रीड किया है। अच्छा, तो 15th चैप्टर आपको याद है किस चीज के बारे में है, थोड़ा बहुत अगर आपको याद है तो? याद नहीं है तो कोई स्ट्रेस नहीं बता आराम से। नहीं ये जो था उसका पहला श्लोक मुझे याद है। ऊर्ध्वमूलं दशाखं अश्वत्थं प्राहुरव्ययं क्षन्तां शिरस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। इसका अर्थ है कि ये जो मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, तो जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वो एक रियल स्ट्रांग और स्ट्रांग ट्री है, और जब उसकी रिफ्लेक्शन पानी में आती है तो वो ट्री उल्टा दिखता है। नहीं, तो जो उल्टा ट्री है वो ये मटेरियल वर्ल्ड है। तो अच्छा जो मटेरियल वर्ल्ड है वो उल्टा ट्री है, और जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है मतलब मटेरियल वर्ल्ड स्पिरिचुअल वर्ल्ड की रिफ्लेक्शन है। सो अच्छा ऐसे इसका मीनिंग है। वाओ, मटेरियल वर्ल्ड स्पिरिचुअल वर्ल्ड की रिफ्लेक्शन है, अर्थात इसीलिए जैसे शास्त्रों में कहते हैं कि सारी खुशी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है और मटेरियल वर्ल्ड उसका रिफ्लेक्शन है, तो उसमें वो इतनी सी हमें मिलती है और वो भी टेढ़ी मेढ़ी सी मिलती है, हम कभी खुश नहीं हो पाते हैं, जैसा आपने शुरू में हमें कभी बताया खुश भी है नहीं हो ना। पाते। हाँ यस, बराबर। आपको इतने प्यारे प्यारे श्लोक आते हैं, आप कुछ और श्लोक बोलना चाहेंगे हमें? अगर आपको कोई श्लोक और और याद है तो आप एक श्लोक आध श्लोक और सुना सकते हैं हमको। नतत भासे ते सूर्यो, ये 15 चैप्टर में का ही है। नतद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वान निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। मतलब अच्छा जो ये मटेरियल वर्ल्ड का जो लाइट है हाँ वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के इक्वल नहीं है, पर ये मटेरियल वर्ल्ड का जो लाइट है वो इतनू सा है स्पिरिचुअल वर्ल्ड के सामने, अच्छा इतनू सा है। और जो मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड है हाँ उसकी जो लाइट है वो इतनी बड़ी है कि इमेजिन नहीं कर सकते हो। तो ये अच्छा मीनिंग की मतलब वो सब बताना चाह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की स्पिरिचुअल वर्ल्ड कैसा है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड कितना अच्छा है, कितना इंटरेस्टिंग है। और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हैप्पीनेस है। अच्छा वाह, तो अगर हम गीता पढ़ेंगे तो हमें ये भी पता चलेगा कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड कैसा है और वहां पे कितनी खुशी है ना? वाह, तो हम सबको इसीलिए गीता पढ़नी चाहिए। और एक और श्लोक बता दो ना अगर याद है तो। एक और श्लोक कौन सा बताओ, अभी बहुत सारे श्लोक हैं। अच्छा ये बताओ कि आपको संस्कृत आती है, आपने पढ़ी है संस्कृत? संस्कृत मैं सीख रही हूँ,
अच्छा पर मुझे अभी पूरी नहीं आती है, बहुत थोड़ी थोड़ी संस्कृत आती है मुझे। अच्छा तो आपको ये सारे मतलब कहाँ से आते हैं इन श्लोकों के? भगवत गीता में मतलब लिखे हुए हैं, तो मैं मतलब लर्न करने का प्रयास करती हूँ। अच्छा जी। कभी कभी याद नहीं रहते हैं मुझे, पर हाँ मोस्ट प्रोबेबली मैं याद रखने का ट्राई करती हूँ। ओके वंडरफुल। आपने इतने सुंदर से याद किए हैं सारे श्लोकस, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपकी वाणी से ये सुनते हुए। अच्छा तो दर्शकों को ये भी कहना चाहेंगे कि श्री प्रभुपाद की जो भगवद गीता है उसमें आपको हर श्लोक के साथ उसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग, हर संस्कृत वर्ड का अर्थ दिया होगा, हिंदी इंग्लिश जिस भी भाषा में आप उस पुस्तक को लेते हैं, गीता को लेते हैं, और उसके नीचे उसका पूरा उस पैराग्राफ का मतलब, और फिर पर्पट, पर्पट मतलब उसका जो सार है, जो भगवान कृष्ण ने उस समय अर्जुन को सिखाने की की कोशिश की थी, का प्रयास किया था, वही सार एज इट इज हमारे और आपके तक पहुंचाया गया है उस पर्पट के अंदर। तो ये कुछ खासियत है श्रील प्रभुपाद की किताबों की कि वो बस श्लोक दे के वहां छोड़ नहीं देते हैं कि भाई अब तुम्हें आता है नहीं आता है, कईयों को संस्कृत नहीं आती है तो अब जितना तुम्हें समझता है तुम उतना समझो, नहीं वो पूरा आपका आखिर तक जब तक आप समझ नहीं जाए आपको पूरा एक्सप्लेन करते हैं उसमें। तो और यस इसीलिए हृदया हृदय उसी श्रील प्रभुपाद की उसी भगवद गीता को पढ़ती है, तो वहीं से उसने इतनी सुंदर से जैसे आप देख रहे हैं हर श्लोक को सीखा है और उसके मतलब को जाना है, और हम सबके सामने आज ये इतने प्यारे श्लोक बोल रही है। वेरी नाइस, थैंक यू हृदय। यस थैंक यू माता जी। ओके चलिए अभी अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए आपके पास एक क्वेश्चन आया है, ये है केशव जी की तरफ से। ये कहते हैं व्हाट इज द चैनल नेम, हाउ टू गेट इट ग्रेट, कीप इट अप, कृष्णा इज ऑलवेज विद यू। वाओ तो ये आपको थम्स अप दे रहे हैं, बहुत सारा आपको प्यार भेज रहे हैं और आपसे पूछना चाहते हैं कि आपका कोई चैनल आपने कहा था उसका नाम क्या है, इनको बताइए। कान्था होम स्कूल, हमारे मतलब होम स्कूलिंग है, उसका नाम हाँ कान्था होम स्कूल है। कान्था कान्हा होम स्कूल। अच्छा तो वो यूट्यूब पे मिल जाएगा होम इनको। स्कूल ओके जी जरूर मिल जाएगा। के परफेक्ट। ए एन एच ए कान्था अच्छा कान्हा होम स्कूल। ओके परफेक्ट। अच्छा चलिए तो अभी देखते हैं अगला प्रश्न हमारे पास कुछ आया है। एन एस्पिरेंट पूछते हैं इज इट नेसेसरी टू टेक अ बाथ एंड देन चैंट। तो देखो अभी तो वैसे भी ठंड बढ़ गई है ना हृदया, सब जगह अभी ठंडी बढ़ रही है, तो इनका प्रश्न है कि क्या हमें नहाने के बाद ही चैंटिंग करना चाहिए या हम बिना नहाए भी चैंटिंग कर सकते हैं? वैसे तो चल सकता है, बट इट्स अच्छा है कि आप नहा के चैंटिंग करें। अभी कभी कभी होता है कि आप उठ जाओ और पानी गर्म नहीं हो रहा है, तो मेरे केसेस में बहुत बार हुआ है। तो टाइम वेस्ट नहीं करने की जगह आप कर सकते हो चैंटिंग, अगर ऐसी केसेस में अच्छा कर सकते हो चैंटिंग। मतलब सुबह का टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको, उसमें चैंटिंग करना नहीं प्रायोरिटी है। अगर नहा सकते हो तो ग्रेट, नहीं नहा सकते हो तो फटाफट चैंटिंग करो, है ना? हाँ जी ओके ग्रेट। ऑल राइट एस्पिरेंट जी, आशा करते हैं आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। ठंडे ठंडे पानी से नहाओ या नहीं नहाओ, चैंटिंग जरूर करो भाई। और अच्छा शिवम जी हैं, शिवम जी कहते हैं छोटी माता जी कहते हैं छोटी माता जी डू यू प्लान टू गो टू अ रेगुलर यूनिवर्सिटी इन द फ्यूचर, हाउ विल यू डील विद पीपल हु आर नॉट डिवोटीज। इन्होंने तो बहुत आगे की बात पूछी है आपसे, तो ये कहते हैं कि अब जैसे आप घर पे पढ़ाई करते हो, अपना होम स्कूलिंग करते हो मम्मा के साथ में, तो क्या आप बड़े होके जब हृदया बड़ी हो जाएगी क्या वो कॉलेज जाएगी बाहर के कॉलेज में, क्योंकि कॉलेज तो होम स्कूल नहीं होता, तो क्या वो बाहर से कॉलेज जाएगी? वैसे आप वो भी करेस्पॉन्डेंस कर सकते हो, बट ये पूछना चाहते हैं कि आप बाहर के कॉलेज जाओगे और अगर आप जाओगे तो आप उन लोगों के साथ कैसे डील करोगे जो भक्ति में नहीं है? नाइस क्वेश्चन। वैसे मैं भी डाउट मुझे भी डाउट है, पर मतलब मोस्ट प्रोबेबली मैं कॉलेज भी नहीं जाऊंगी ऐसा लग रहा है, क्योंकि अच्छा कॉलेज मम्मा भी मुझे कॉलेज होम स्कूलिंग भी कर सकती है, तो
मोस्ट प्रोबेबली मुझे कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है, और अच्छा अगर जाने की जरूरत पड़ी ही तो मतलब मेरे अभी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो नॉन डिवोटी हैं, तो मैं उनसे भी अभी मतलब खेलती हूँ, उनसे मैं बातें कर सकती हूँ, हाँ तो मुझे कोई डिफिकल्टी नहीं लगती उसमें। पर कभी कभी वो पूछते हैं कि तू ऑनियन गार्लिक नहीं खाती है, क्यों नहीं खाती है, हाँ क्या रीजन है, क्या प्रूफ है। तो हाँ एक बार मेरे एक फ्रेंड ने पूछा था, मैं नाम नहीं लूंगी, तो हाँ मैंने पूरी स्टोरी बताई थी उन्हें कि क्यों हम ऑनियन गार्लिक नहीं खाते हैं, जो पूरी स्टोरी अच्छा थी मैंने उन्हें बताई थी। उसके अच्छा बाद भी कुछ ऑब्जेक्शंस थे, तो मैंने अच्छा उन्हें बताया कि इस बुक में प्रूफ है, तू जाके ले, तू खुद रीड कर अगर तुझे प्रूफ अच्छा चाहिए तो। तो अच्छा मतलब ऐसे मेरे एक दो फ्रेंड्स हैं, बट अभी है तो अभी मैं है कुछ तो नहीं है कर यार, सकती, क्या कर सकते हैं। है तो हाँ है। हाँ हाँ जितने को जिन्हें खाना है वो खाएंगे, बट जिसने सोच लिया है कि मुझे नहीं खाना है और जिसे विश्वास है कि मुझे क्यों नहीं खाना है, तो वो अपने रास्ते पर चलता रहेगा, है ना। दैट्स हाउ इट जी शुड बी, राइट। ओके परफेक्ट। तो अच्छा चलो अगले प्रश्न को लेते हैं, देखते हैं कौन आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके पूनम शर्मा जी कहती हैं, गॉड ब्लेस यू बेटी, हरे कृष्णा हरे हरे। आपको आज हरे इतना कृष्णा। सारा प्यार मिल रहा है, पता है आपको इतने सारे आशीर्वाद आ रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में से, कहाँ कहाँ से, ऑल ओवर द वर्ल्ड से एक्चुअली। सब लोग आपको बहुत जगहों से देख रहे हैं और बहुत खुश हैं आपको देख के, और बहुत सारा प्यार भेज रहे हैं। तो उन्होंने भी आपको बहुत सारा प्यार भेजा है, पूनम शर्मा जी ने। थैंक तो यू वेरी मच। जी। अच्छा और कौन सा प्रश्न है। परम सुंदरी जी कहती हैं, हरे कृष्णा माता जी, माई सेल्फ प्रियंका भट्टाचार्य जी, आई एम अ डिवोटी ऑफ इस्कॉन, डू वी हैव टू रीड भगवद गीता डेली। अच्छा तो ये कहती हैं कि ये भी एक भक्त हैं, इस्कॉन की एक भक्त हैं, ये जानना चाहती हैं क्या हमें भगवद गीता नित्य प्रतिदिन पढ़नी चाहिए, डेली पढ़नी चाहिए। जी जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि अगर हम जैसे मैंने बताया कि मैं मीनिंग भी लर्न करना क्या प्रयास कर रही हूँ, तो अगर आप डेली रीड करेंगे तो आप डेली एक नया श्लोक रीड करेंगे, और भगवद गीता में टोटल 700 श्लोक है, तो अगर आप डेली रीड करेंगे तो धीरे धीरे आपके सारे श्लोका भी लर्न हो जाएंगे और आपको उनका मीनिंग भी लर्न हो जाएगा। और अगर आपको संस्कृत लर्न करनी है तो थोड़ी थोड़ी आपको संस्कृत भी आ जाएगी, तो उसमें जैसे आपने बताया कि वर्ड टू वर्ड मीनिंग भी है, तो आप उससे संस्कृत भी सीख सकते हो ना थोड़ी थोड़ी। अच्छा हाँ दैट्स अ गुड आइडिया, वाह वंडरफुल। और आपको और कौन सी बुक रीड करना पसंद है। मैं सारी डिवोशनल बुक्स भी रीड करती हूँ, अच्छा और बीच में मैंने रस्किन बॉन्ड का सेट लाया था 4 बुक्स का, हाँ तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा, उसमें बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज हैं, अच्छा इंटरेस्टिंग है वो, बट डिवोशनल नहीं है बट स्टिल अच्छी है वो, तो वो अच्छा भी मुझे पसंद आती है, तो अच्छा और डिवोशनल वो बुक्स भी। में आप कौन सी रीड करते हो। डिवोशनल बुक्स में मेरे पास तो मालूम नहीं कितनी सारी चिल्ड्रन बुक्स है, हाँ पर अभी मैंने, हाँ हमने एक बड़ा चार्ट पेपर बनाया है हाँ जिसमें हमने बहुत सारी बुक्स ली, जैसे कि रामायण, फिर महाभारत, उसके बाद कौन सी थी, हाँ, लॉर्ड जगन्नाथ इन जगन्नाथपुरी, जी फिर यस वो भी मैंने पूरी रीड की है, वाओ। और बहुत सारी रीड की है। अच्छा एक बात बताओ, अब आपने महा जैसे सॉरी बोलो बोलो। मैंने महाभारत जस्ट मतलब कुछ नहीं, आई थिंक अक्टूबर में मैंने महाभारत खत्म की, अभी मैं रामायण स्टार्ट, नहीं रामायण नहीं, अच्छा नहीं
अच्छा, जब आप कह रहे हो आपने महाभारत खत्म की, तो आप खुद बैठ के पढ़ते हो ये, या मतलब मम्मा जैसे आपको रीड करके सुनाती हैं, कैसे होता है? नहीं, मैं खुद रीड करती हूँ। अच्छा, आप बुक खोल के अपने आप से रीड करते हो। अच्छा, और अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आए तो? हाँ, कोई वर्ड्स डिफिकल्ट जाते हैं कभी कभी, तो हाईलाइट करके रखती हूँ और उसके बाद में मम्मा को पूछती हूँ, या फिर गूगल या फिर डिक्शनरी से मीनिंग ढूंढ लेती हूँ। और मम्मा तो मेरे आसपास में ही रहती है, तो मम्मा को पूछ लेती हूँ। नाइस, बहुत सुंदर। अच्छा, आपने अभी जब कहा ना कि आपने जगन्नाथ जी का नाम लिया, राम जी का नाम लिया, महाभारत का नाम लिया, तो मुझे एक बात बताओ कि भगवान जी के इतने सारे अवतार हैं, तो इन सारे अवतारों में से हृदया को सबसे ज्यादा प्यारा कौन सा अवतार लगता है? सबसे प्यारा, ये तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अच्छा, वैसे तो ए टू जेड है, सारे प्यारे सारे हैं, अवतार, सारे अवतार प्यारे हैं, पर अगर पर ऐसा होगा ना, एक ये वन चूज है, करना ये है। टू है। अच्छा चलो, दो चूज कर लो यार, दो बेस्ट, मतलब अच्छा ठीक सारे है, प्यारे हैं भगवान जी, दो तो हर बेस्ट। फॉर्म में अच्छे हैं, पर वो होता है ना, फर्स्ट ये, फिर ये। जैसे पिंक आपका फेवरेट है, फिर पर्पल, तो वो पिंक और हाँ, पर्पल में कौन से हैं भगवान जी के अवतार? पिंक पर्पल में अच्छा, एक राम जी, और दूसरा कौन सा है, वराहदेव। अब आप बोल नहीं रहे थे ना, मुझे ऐसे हो रहा था कि अब आप क्या बोलोगे, क्या बोलोगे। अच्छा, वराहदेव। ओके ओके ओके, तो राम जी क्यों आपके फेवरेट हैं, आप बताओ। राम जी मेरे फेवरेट है क्योंकि जो सारी स्टोरीज हैं राम जी की, हाँ, जैसे कि शूर्पणखा, फिर और उन्होंने अकेले बहुत सारे हजारों लाखों राक्षसों को मारा था, सबसे बड़ा तो रावण को मारा था, अच्छा, तो इसलिए पहले नंबर को राम। और राम जी तो नासिक में भी आए थे आपके पास। तब मैं बोनी हुई थी जी, कोई बात नहीं। और दूसरा आपने कहा वराहदेव, तो वराहदेव आपके फेवरेट क्यों है? वराहदेव मेरे फेवरेट इसलिए हैं क्योंकि क्योंकि मुझे उनके सारे फीचर्स बहुत अच्छे लगते हैं बहुत क्यूट लगते और हैं, सही कह रहे हो आप। बहुत क्यूट लगते हैं, इसलिए वराहदेव लगते हैं। नाइस, वेरी नाइस, ओके, वंडरफुल। और जगन्नाथ जी पसंद है या नहीं आपको? जगन्नाथ जी तो पहले बोलना था, मैं भूल गई जगन्नाथ अच्छा, पहले बोलना जी। था। मैंने हाँ, सारे जो दशावतार में के हैं वो ही ढूंढ रही थी मैं, कौन सा है अच्छा, कंफ्यूज तो मैं हो भूल ही गई। गया। हाँ, जगन्नाथ जी सबसे पहले, उसके बाद राम, उसके बाद परफेक्ट, तो अभी आप मुझे हाई फाई दो, बिकॉज जगन्नाथ जी मेरे भी फेवरेट हैं। यस। ये awesome, चलो ग्रेट। अब देखते हैं, अगर कोई और क्वेश्चंस है हमारे पास तो फटाफट उन्हें लेते हैं, बिकॉज लेट हो रहा है ना। सोमनाथ महापात्रा जी कहते हैं, हरे कृष्णा छोटी माता जी, मेरा एक 6 साल का बेटा है, उसको आप कुछ अच्छा बोलिए। तो सोमनाथ जी, आप अपने बेटे का नाम डालिए ना, हम उसका नाम लेके बोलेंगे। अगर आप सुन रहे हैं तो अभी डालिए, वील विल टेक हिज नेम एंड वील से समथिंग। तो हृदया, इनका छोटा बेटा है 6 साल का, और सोमनाथ जी चाहते हैं कि हम उसके लिए कुछ बोलें। देखते हैं, अगर वो नाम भेजते हैं तो मैं आपको बताती हूँ, तब तक आप अगर कुछ मैसेज देना चाहते हैं उनके स्मॉल 6 ईयर, इतना स्मॉल नहीं, बट 6 ईयर का जो बेटा है उनका, तो उसके लिए। मैं उसे ये बताना चाहूंगी, उसे ये बोलना चाहूंगी हाँ, कि आप अगर नॉन डिवोटी हो और अगर आप डिवोटी हो तो फिर भी आप बहुत अच्छी डिवोटी बनोगे, और श्रील प्रभुपाद जी, कृष्णा स्वयं आप अपने बहुत सारी ब्लेसिंग्स रखे,
और बहुत अच्छी रिबूटी बनी। वाह स्वीट। तो सोमनाथ जी, हृदया ने बहुत दिल से प्रेम से प्रे भी किया है और आशीर्वाद भी दिया है आपके छोटे से 6 साल के बेटे को कि वो बहुत अच्छा भक्त बने और श्री कृष्ण की और गुरुओं की, श्रील प्रभुपाद की, उस पर हमेशा कृपा दृष्टि बनी रहे। तो वंडरफुल, बहुत अच्छा था ये छोटा सा जो आपने कहा अभी। हृदया, एरीज अल्टीमेट है ये कहते हैं, आई चैंट मोस्टली एवरी डे बट हैव नॉट टेकन दिस नेम फ्रॉम एनी इस्कॉन डिवोटी, टू होम शुड आई कॉन्टैक्ट टू बिकम अ प्रॉपर डिवोटी। तो ये एरीज अल्टीमेट जो है ना, ये कहते हैं कि ये ऑलमोस्ट हर रोज चैंटिंग तो करते हैं पर इन्होंने दीक्षा भी नहीं, इन्होंने अभी तक दीक्षा नहीं ली है, मतलब इनका कोई गुरु नहीं है अभी तक। तो ये जानना चाहते हैं कि अगर इन्हें भक्ति में दृढ़ता से आना है, गुरु धारण करना है, गुरु को पाना है, तो इन्हें किसके साथ संपर्क करना पड़ेगा, इन्हें क्या करना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके आसपास में कोई, आपके पहचान में कोई अच्छे डिवोटी हो तो आप उनसे थोड़ी डिवोशनल सर्विस ले सकते हैं। और उसके बाद भक्ति विकास महाराज हैं तो फिर उनसे भी आप बाद में इनिशिएशन कर सकते हैं। तो फिर इनिशिएशन के कुछ रूल्स भी हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए, मुझे मालूम नहीं है, बट जैसे कि हम जब तिलक लगाते हैं तब बोलते हैं ओम वासुदेवाय नमः, ओम विष्णु जी, नमः, तो वो पूरा लर्न होना चाहिए। डिटेल्स पता है आपको तो, वाव। ये तो मम्मा से, सारे डिटेल्स मम्मा देती है मुझे, वही तो अच्छा। बोलती हूँ, मम्मा देती है फिर मैं आपको पास ऑन करती हूँ। यस यस यस, तो वंडरफुल, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया एरीज जी को। एरीज जी, छोटी माता जी ने आपकी थोड़ी सी हेल्प की और अब बड़ी माता जी आपकी थोड़ी और हेल्प करना चाहेंगी कि जैसे जैसे हृदया ने कहा कि आप अगर कोई भक्त हैं आपके आसपास, आप उनसे संपर्क कीजिए और आपके आसपास जो भी इस्कॉन मंदिर होगा आप उसके साथ संपर्क कीजिए, वहाँ के भक्तों के साथ संपर्क कीजिए और वहीं से फिर आप धीरे धीरे और ज्यादा दृढ़ता से और पक्के होते जाएंगे अपनी भक्ति में। जैसे कभी कभी क्या, जैसे आपको स्कूल जाना ही होता है, स्कूल जाना ही पड़ता है आपको, अगर आपको वो क्लास पास करनी है, वो सर्टिफिकेशन लेना है आपको, वैसे ही अगर आप भक्ति में और दृढ़ होना चाहते हैं तो अपने आसपास उन भक्तों का संग रखिए और किसी भी इस्कॉन मंदिर में आसपास जाइए, वो आपकी पूरी मदद करेंगे। एंड जब तक मंदिरों में आप नहीं जा सकते हैं इस करंट सिचुएशन के कारण, ऑनलाइन आप हमारे साथ हरे कृष्णा टीवी पर जुड़ सकते हैं और हम आपको जितनी हेल्प कर सकेंगे उतनी करेंगे। आप नीचे देख रहे हैं हमारा हरे कृष्णा टीवी काउंसलिंग कॉल सेंटर भी है, स्पेशली हमारे सभी दर्शकों को इसके बारे में बताना चाहेंगे कि अगर आपकी कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, यहाँ आप सिंपली हेल्प लेना चाहते हैं कि मैं कैसे भक्ति में आगे बढ़ूं, तो ये जो नंबर आपके समक्ष स्क्रीन पर अभी है टाइमिंग्स के साथ लिखा गया है, दिस इज अ फ्री कॉल सेंटर सर्विस, आप कभी भी यहाँ फोन कर सकते हैं और जो हमारे सेवादार हैं वो बहुत प्रसन्न होंगे आपकी सेवा करने के लिए। ओके, तो अच्छा देखते हैं अगर कोई और क्वेश्चन है हमारे पास अभी। एंड रितु गुप्ता जी कहती हैं, हरे कृष्णा माता जी, प्लीज टेल मी हाउ टू वेक अप अर्ली, आई एम 9 ईयर ओल्ड। ओके, सो हृदया, एक आपकी एज का बच्चा है हमारे साथ, ये है रितु गुप्ता और ये 9 साल की हैं जस्ट लाइक यू, और ये जानना चाहती हैं आपसे कि ये सुबह जल्दी कैसे उठें, तो इनकी हेल्प करो यार। अभी ओके मैं मेरा केस बताऊंगी आपको, ठीक है। मेरी मम्मा जब मुझे उठाती है तब, हाँ मतलब उठाती थी तब, सबसे पहले तो मैं कभी कभी ड्रीम में रहती थी, कभी कभी लेजी मतलब सो रही हूँ का नाटक करती थी, और कि मम्मा इतनी हिलाती थी, इतनी हिलाती थी तब भी मैं उठती नहीं थी। अच्छा तो तब एक एक तरीके से मैं लेजी भी थी, और एक तरीके से मैं उठना चाह रही भी थी। तो कभी कभी मुझे इतना सैड लगता था कि मुझे सोना था, मम्मा ने सोने ही नहीं दिया मुझे। तो मतलब अभी वैसा नहीं लगता है मुझे, क्योंकि अभी आदत आदत लगी है,
कोई कोई अलार्म्स लगाते हैं, अलार्म बंद करके सो जाते हैं, तो वैसे मत कीजिए। अगर आपने अलार्म लगाया है तो उठिए, और सबको मतलब डायरेक्टली नहीं उठेंगे आप, तो हाँ ऐसे बोले नहीं मुझे उठना है, नहीं मुझे डिवोशनल सर्विस करनी है। अगर आप पूरे अटेंशन से करोगे और भगवान श्री कृष्ण को प्रे करोगे तो आप नॉर्मली उठ जाओगे, उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं और कि जो अगर अलार्म आप होता है, और जो हाँ अलार्म होता है वो आपसे दूर रोको, सो दैट आप पूरे चल के जाओगे और बंद करोगे, नहीं तो बाजू में होगा तो बंद करके आ गया। हाँ ये मैं रोज करती हूँ, बाजू में रख के उसको जैसे बजता है उसको मैं बंद करती हूँ और मैं फिर से हाँ ओके। तो आपने कहा कि अलार्म थोड़ा सा दूर रखो अगर आपको अलार्म लगाना है, और दूसरा आपने कहा कि आप दृढ़ निश्चय करो कि आपको डिवोशनल सर्विस करनी है, और भगवान जी को भी कहो कि मुझे उठाओ, है ना, मुझे उठना है, मुझे उठाओ, उनसे ऐसा कह के सो तो वो आपको उठाएंगे, ऐसा कहा आपने, है ना। हाँ जी, वाह वंडरफुल। अच्छा हृदया कितने बजे सोती है रात को? मैं डेली तो 9 के पहले सोने का ट्राई करती हूँ, पर कभी कभी 10 हो जाते हैं, तो मतलब 10 को सो के 6 बजे उठ जाती हूँ। और 9 को सो जाओ तो 9 को सो जाओ तो ट्राई करती हूँ कि 5 को उठूँ, पर तो उठ अच्छा जाती हूँ कभी कभी 5 को भी, 5-4 को। तो अभी तो 9:40 हो गए हैं, मतलब थोड़ी देर में 10 बज जाएंगे, तो आज हमने हृदया को लेट कर दिया है, हम और आपको लेट नहीं नहीं, करेंगे। आज तो वीकेंड है, आज सैटरडे है, तो कल मालूम अच्छा नहीं, थोड़े से देर से उठ सकती हूँ, पर मैं वीकडेज में भी मतलब वीकेंड पे भी उठती हूँ जल्दी, क्योंकि अच्छा मुझे सुबह उठ के सब नहा के धो के जल्दी जल्दी मुझे साइकिल चलानी होती है जब वगैरह होने के बाद, ओके वाओ इसलिए। नाइस नाइस। तो वीकेंड में आप साइकिलिंग करते हो, इससे आप फ्रेश रहते हो, एक्टिव रहते हो, है ना, हाँ जी, दैट्स नाइस। अच्छा तो एक लास्ट अनाउंसमेंट है हमारी हमारे व्यूअर्स के लिए, दर्शकों के लिए, जो आपको स्क्रीन पे अभी दिख भी रहा है नीचे, की भगवत गीता शास्त्र दान का एक संकल्प है हमारे पास, हमने जो लिया है ये आप भी हमारे साथ इसमें जुड़ सकते हैं। शास्त्र दान एक बहुत अच्छी सुविधा है उन लोगों के लिए जिन लोगों के पास क्षमता नहीं है इन किताबों को खरीदने की, इन किताबों को पढ़ने की। तो जो ग्रामीण इलाकों में जो आर्थिक व्यवस्था जहाँ पे कम है, जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो खुद इन इन किताबों को खरीद सकें, स्कूल्स में, ऑर्फनेजेस में, लाइब्रेरीज में, प्रिजन हाउसेस में, जेलों में, हम इन शास्त्रों का दान करते हैं, निशुल्क दान किया जाता है, ताकि वे लोग भी इन शास्त्रों को पढ़ सकें और अपना जीवन सुधार सकें। तो आपके पास ये अमूल्य मौका है कि आप भी इसमें हमारा सहयोग दें। स्क्रीन पर आपको डिटेल्स नजर आ रहे हैं, आप कृपया हमारा सहयोग दें, दान करें, ताकि इन किताबों को हम आगे निशुल्क लोगों तक पहुंचा सकें और उनके जीवन में भी वही खुशी, वही उजाला ला सकें जो अभी हमारी प्यारी सी छोटी सी हृदया हमारे साथ शेयर कर रही है। ओके तो ओके हाँ जी, तो अब हम थोड़ी देर में शो एंड करना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताओ मम्मा आसपास हैं आपके? ओके हाँ मम्मा है। तो मम्मी से, अभी आपने इतना कहा कि मम्मी आपको पढ़ाते हैं, मम्मी ने आपसे ये सिखाया वो सिखाया, तो हमें आपकी मम्मी से भी हरे कृष्णा करना है, क्या आप हमें अपनी मम्मी से मिलाओगे? मम्मा एक्चुअली उसे फीड कर रही है, इसे मम्मा अभी नहीं आ सकती। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। तो दर्शकों को पर ये कहना चाहेंगे कि जिस तरह से एक फल की पहचान उसके पेड़ से होती है, उसी तरह से जिस प्यारे से नन्हे से बच्चे को आपने देखा, उसकी पहचान भी माता पिता ने जो संस्कार आगे पास ऑन किए हैं, जैसा जैसा हृदय हमेशा कहती है कि मम्मा मुझे पास ऑन करती है और मैं आपको पास ऑन करती हूँ, है ना। तो इसलिए कोशिश कर रहे थे कि उनसे भी आपको मिलवाएं।
ये केतकी जी की सुपुत्री हैं, और उनको आप कई बार हरे कृष्णा टीवी पर देख चुके हैं, उनको सुन चुके हैं, उनकी काफी वीडियोस भी देख चुके हैं। तो आपको बस इतना ही मतलब कहना चाहते थे। और ओके हृदया, तो अभी सबको बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है। आप चलते चलते सब लोगों से कुछ कहना चाहेंगे? आज इतने सारे लोगों ने आपको सुना, पता है आपको अराउंड 1,000 से भी ज्यादा लोग आपको सुन रहे थे सारे वर्ल्ड ओवर से। तो और सबने आपको बहुत सारा प्यार दिया है, और सब बहुत खुश हैं, बहुत इंस्पायर्ड हैं देख के कि छोटी सी 9 साल की हृदया इतनी सारी भक्ति कर रही है, इतना सारा चैंटिंग कर रही है। तो इन सब लोगों को आप क्या संदेश या क्या बोलना चाहते हैं? सबने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत सबने मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और मैं सबके लिए प्रे करती हूँ कि आप सब अच्छे डिवोटीज बने, और खुद के लिए भी प्रे करती हूँ। तो आप सब बहुत अच्छे डिवोटी बने ऐसे मुझे लगता है, और कभी भी कृष्णा का फेथ मत छोड़िए, ये मैं आपको बताना चाहूँगी। और मेरे पास एक क्वेश्चन है कि कई लोग ना कई लोग बचपन में डिवोशन नहीं करते, हरे कृष्णा चैंटिंग नहीं करते, और सोचते हैं कि अभी हम बड़े होके करेंगे। फिर जब बड़े हो जाते हैं फिर वो बिजी हो जाते हैं, शादी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, जॉब करते हैं, फिर भी नहीं करते, फिर वो सोचते हैं बाद में करेंगे। तो ऐसे लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे कि उन्हें हरे कृष्णा चैंटिंग कब करना चाहिए, डिवोशनल सर्विस कब करनी चाहिए उन्हें, या क्या वो डिले करते रह सकते हैं कि नहीं चलो आगे चलो आगे चलो आगे? मेरा सेम एग्जांपल था, मैंने शिक्षार्थ का मैं ऐसा सेम वीडियो देखा था। एक अच्छा जो बॉय होता है वो यंग होता है, तब वो उसे भगवत गीता देते हैं, फिर वो बोलता है कि बहुत पढ़ाई करनी है, ये करना है वो करना है। फिर उसके बाद वो थोड़ा बड़ा होता है, यंग होता है, उसके बाद वो बोलते हैं कि ये लो भगवत गीता, हम भगवत गीता बेच रहे हैं, हम हाँ आप सबको डिवोशन सर्विस देना चाहते हैं। तो अरे अभी तो मुझे शादी करनी है, बच्चे पैदा करने हैं, ये करना है वो करना है। फिर से कुछ दिनों के बाद वो जाते हैं, तो फिर उसकी शादी हो जाती है, फिर जॉब लग जाता है। नहीं नहीं अभी तो जॉब करना है, बच्चे हैं, स्कूल छोड़ना है, ये तो पत्नी है, ये वो है। फिर जब वो जाते हैं कुछ दिनों के बाद, फिर वो बूढ़े हो जाते हैं, तब अच्छा वो बोलते हैं कि अभी भगवत गीता लो। फिर वो बोलते हैं अरे मैं पिक्चर आया है, उसको ट्रेलर देखना है, फिर ये दरवाजा ठीक करना है, ये करना है वो करना है, फिर वो भगवत गीता लेते नहीं है। नेक्स्ट टाइम जब वो जाते हैं तब दरवाजा खुला ही होता है, और जब वो अंदर जाते हैं तब उन दादाजी की फ्रेम लगी होती है। अच्छा तो मतलब कहीं मैं हमारा फ्रेम। आपको हाँ मैं सबको ये भी सजेस्ट करूंगी कि आप यूट्यूब पे शिक्षार्थकम चैनल भी देखिए, वो भी बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है, जी और मैं भी बहुत इंस्पायर हुई शिक्षार्थकम चैनल से, और वो बहुत अच्छा एफर्ट ले रहे हैं। तो आप वो भी भगवत गीता आपको मीन्स जैसे आप भी भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो फिर वो भी ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और वो शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं, तो उन्हें फाइनेंशियली थोड़ी हेल्प चाहिए होती है। तो सबको ये सजेस्ट करूंगी कि आप शिक्षार्थकम चैनल देखें ओके और वंडरफुल इंस्पायर हो। वंडरफुल वंडरफुल। तो बहुत बहुत मजा आया आज आपके साथ बात करके हृदया, और बहुत इंस्पायर्ड फील कर रहे हैं, बहुत चार्ज्ड अप फील कर रहे हैं, और आई एम श्योर कि आप जो प्रे करते हैं ना हम सबके लिए कि हम सब भी आपकी तरह भक्ति में आ जाएं, और सारा वर्ल्ड जैसे आप प्रे करते हैं कि कृष्ण की भक्ति करने लग जाए एक दिन, तो आपकी ये प्रेयर कृष्णा जरूर स्वीकार करें, और जरूर किसी दिन सारा विश्व एकजुटता के साथ, भाईचारे के साथ, सारे द्वंद्वों को मिटा के कृष्ण भक्ति में लगे, और कृष्णा को अपने हृदय में हमेशा के लिए बसा ले जैसे आपने बसाया हुआ है ना? तो यही प्यारी सी शुभकामना करते हैं, और आपको बहुत सारा प्यार। थैंक यू सो मच हमारे साथ आज ज्वाइन इन करने के लिए, और अभी लेट हो गया है, आपको गुड नाइट भी बोलते हैं, आपसे जल्दी मिलेंगे, ठीक है? आपको जल्दी बुलाएंगे फिर से हम हरे कृष्णा चैनल पे आपसे बहुत सारी बातें करने के लिए। ओके ओके जरूर। हरि बोल, हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण माता जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्णा।
दिव्य और सजनों, आज जो अनुभव मुझे हुआ है वो बहुत बहुत डिफरेंट था। हम अक्सर बड़ों से बात करते हैं और कई बार ऐसा लगता है कि बड़ों की लाइफ, हमारी अपनी जो लाइफ्स होती हैं, हम खुद इतनी कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। बच्चे इतने सिंपल होते हैं, इतने साफ मन के होते हैं। आज हमने अभी एक उदाहरण अपने सामने देखा, एक ऐसे बच्चे का जो किसी को जानता नहीं है अपने आसपास, जो अपने घर पे बैठ के पढ़ती है, अपनी माँ से शिक्षा लेती है, लेकिन उसकी जो प्रार्थना है वो ये है कि हे भगवान, इस संसार के सभी लोगों को आप भक्ति दीजिए। और जब हमने उससे पूछा कि ऐसा क्यों, तो उसका सिर्फ एक ही उत्तर था कि मैं इस भक्ति को करके जिस आनंद को प्राप्त कर पा रही हूँ, मेरी इच्छा है कि ये आनंद उन सभी जीवों तक जाए और वो सब भी इस आनंद का, उल्लास का आनंद उठा सकें। तो ऐसा सुंदर, ऐसी सुंदर सोच, ऐसा सुंदर सपना अगर हम सबका हो सके तो कितना अच्छा होगा। और तब ये सारा संसार, ये सारी भू एक कुटुंब की तरह एक साथ मिलकर रह सकेगी। तो इसी शुभकामना के साथ कि आप और मैं, हम सब आज से, अभी से इसे अपना दृढ़ संकल्प बनाएं कि हमें प्रभु की ओर एक कदम बढ़ाना है। और जैसा हृदया ने कहा कि कभी भी, भले ही आपकी कोई, आपने कुछ मांगा है भगवान से, नहीं मांगा, अगर वो पूरी हुई है, मांग नहीं पूरी हुई है, फिर भी अपने उस फेथ को, अपने उस दृढ़ निश्चय को, अपनी उस भक्ति को टूटने ना दें और कृष्ण को अपने हृदय में हमेशा के लिए बसा लें। इसी शुभकामना के साथ आपसे फिर मिलेंगे, कल भी आपसे मिलेंगे। कल के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं जाने से पहले, तो कल हम आपका परिचय कराएंगे, मुलाकात कराएंगे हमारे मेहमान के साथ, जिनका नाम है जन्माष्टमी कृष्णदास। जय छंगलानी है इनका कर्मी नाम, जय छंगलानी। ये दुबई में जन्मे थे और बंबई में इनकी परवरिश हुई है। ये यूथ इनिशिएटिव्स बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, इन्होंने बहुत सारे यूथ इनिशिएटिव्स को सपोर्ट किया है अक्रॉस द वर्ल्ड। और ये ऑकलैंड न्यूजीलैंड के इस्कॉन टेंपल के में बहुत सारी सेवाएं करते हैं। इन्होंने अपनी सीए की पढ़ाई जो है 2010 में कंप्लीट की थी। उसके बाद इन्होंने काफ़ी मल्टीनेशनल फर्म्स में काम किया 2015 तक, और उसके पश्चात अपनी खुद की सीए प्रैक्टिस इन्होंने शुरू की। आज की तारीख में ये अपनी कंपनीज चलाते हैं ऑकलैंड और वेलिंगटन में, जो कि न्यूजीलैंड में है, और इनकी अपनी आउटसोर्सिंग कंपनी है इंडिया में भी। तो बहुत सारा काम करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज को संभालते हैं, इंटरनेशनली भी काम करते हैं। इनसे कल मिलिएगा, जानिएगा कि भक्ति और अपने मटेरियल गोल्स को ये किस तरह से समंजस में रखते हैं। तो इसी शुभकामना के साथ कि हम सब अपने हृदय में और अपने जीवन में कृष्ण को प्रायोरिटी बना सकेंगे, कल आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और हरे कृष्णा।